था जनरली, मैं बता रहा हूँ जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं काफी सारे। ठीक है, हेलो, हाउ कैन आई गेट मैसेज? ओके, सो हे, हेलो ऑल ऑनलाइन जनता, PSIR ओरिएंटेशन, दिस इज गोइंग टू बी अ ओरिएंटेशन ऑफ आवर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो सबसे पहले ये समझना है कि व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर PSIR एंड मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स। देर आर लाइक आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, दे हैव मल्टीपल कंफ्यूजन कंसर्निंग PSIR या चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो सी, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट PSIR और ऑप्शनल, सबसे पहले अद्वितीय ये समझना है आप लोग सबको कि PSIR ऑप्शनल में क्या क्या होता है एंड कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स। सी, एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट है एंड दैट हैज बीन आस्ड एज अ क्वेश्चन बाय UPSC कि पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस। सो इफ यू वॉन्ट टू बी द मास्टर, रीड द मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दैट इज PSIR। अमंग ऑल सब्जेक्ट, PSIR हैज गॉट अ यूनिक स्टेटस ड्यू टू इट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एट्रीब्यूट विच मेक समवन एज द प्रिंस। प्रिंस के बारे में कभी सुने हो? प्रिंस बुक किसने लिखा है? मजर? नो, है आइडिया? सो बेसिकली यहां अभिषेक, हेलो, सो मैक्यावेली, निकोलो मैक्यावेली की बुक है। सो जब मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस, सो मैक्यावेली वहां पे कवर करेंगे व्हेन आई विल बी टीचिंग यू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। WPT जब मैं पढ़ाऊंगा, सो आई विल बी टीचिंग यू मैक्यावेली। द टर्म मैक्यावेलियन हैज कम फ्रॉम दिस वर्ड मैक्यावेली। मैक्यावेलियन बोलते हैं ना, ठीक है? सो दो, इट इज अ निगेटिव वर्ड, मैक्यावेलियन इज अ निगेटिव वर्ड। अद्वितीय, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बाबू? तो पहले ये समझो, सो अमंग ऑल सब्जेक्ट PSIR, अब ये तीनों को फादर ऑफ फिलॉसफी, एथिक्स एंड पोलिटिकल साइंस इन वन फ्रेम। फिलॉसफी के फादर किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल। सोच लो फिर बताओ। मजर, अद्वितीय, एरिस्टोटल, सुकरात और प्लेटो। प्लेटो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फिलॉसफी। फादर ऑफ एथिक्स इज सोक्रेट एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज एरिस्टोटल। ठीक है, कमिंग टू, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नाउ नो अबाउट मी। आई हैव डन माई यूनिवर्सिटी, माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम USA। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन पोलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम DCSE एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आई एम ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम DCSE एंड देन आई एम अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ अमेरिकन पोलिटिकल साइंस ऑनर्स सोसाइटी। राइट नाउ करेंटली वर्किंग एज अ फैकल्टी एट सिविल्स फोरो बोरिंग रोड पटना। माई एक्सपर्टीज इज इन इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जिसमें मैंने MPhil JNU से किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड टेररिज्म। रिसर्च पेपर मैंने लिखा है काफी ज्यादा ऑन बोको हराम के ऊपर, व्हाई नॉर्थ कोरिया रिक्वायर्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड मेनी मोर। आई हैव अपीयर्ड इन मल्टीपल UPSC इंटरव्यू एंड मेन्स, इट कुड ऑल्सो बी चेक्ड। 5803989 इज माई रोल नंबर वंस, सेकेंड वाला रोल नंबर याद नहीं है। ठीक है, फॉर्मर फैकल्टी ऑफ PSIR एट एस्पायर IAS दिल्ली एंड ACQ IAS इन भुवनेश्वर। ओके, व्हाट यू शुड नो अबाउट ऑप्शनल, सबसे पहले तो हमेशा देखो, UPSC जब ये दिमाग में आए कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो सबसे पहले ये तो पता ही होना चाहिए कि
ऑप्शनल के बाद आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑप्शनल का जो है हाईएस्ट वेटेज है, वेटेज जो है आदित्य हाईएस्ट ऑप्शनल का है। सारे जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर कितने मार्क्स का है? गुड। ऑप्शनल कितने का है? 500। सो सबसे पहले ये जान लो कि यूपीएससी टोटल 26 सब्जेक्ट आपको देती है जहां से आपको ऑप्शनल चूज करना है, एंड फ्रॉम द दैट पूल यू कैन चूज वन ऑफ योर चॉइस। वो 26 में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अच्छी बात ये है यूपीएससी के साथ कि इवन अद्वितीय इज एन इंजीनियर, मजहर इज अ मास्टर्स इन से पबेड, और शिवम इज अ मास्टर इन से जूलॉजी, यू आर अ मास्टर इन से समथिंग एल्स, ओके हिंदी, बट यू वॉन्ट टू टेक सम अदर ऑप्शनल, इन 26 सब्जेक्ट में से किसी ऑप्शनल को लेना चाहते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने इंजीनियरिंग किया है कि मेडिकल किया है कि ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई की है, सो इट डजेंट मैटर। सो यू डोंट हैव टू बी ग्रेजुएट इन योर ऑप्शनल। से इफ यू आर एन इंजीनियर, यू वॉन्ट पी एस आई और एंथ्रोपोलॉजी, यू आर ऑलवेज वेलकम। कोई दिक्कत यहां तक? थर्ड ऑप्शनल में जो वेटेज है हाइएस्ट, जो टोटल रिटेन मार्क्स है 1750 का, उसमें सबसे ज्यादा ऑप्शनल का है, एंड हेंस चूजिंग इट वाइजली वुड बी हाईली रिवॉर्डिंग। इनडीड ऑप्शनल में जो मार्क्स है दैट डिटरमिन्स योर रैंक। आपका रैंक क्या होगा यूपीएससी में, ऑप्शनल में अगर मार्क्स आपने अच्छा लाया, मैं बताऊंगा कि हाउ इट डिटरमाइंस योर रैंक। ओके, पहले ये समझो। सी जीएस में देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, ये सब समझिएगा। हरिओम अद्वितीय, ढंग से समझना। वेन इट कम्स टू जीएस, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे लाइक इट और नॉट। जीएस तो सबके लिए कंपल्सरी है, ऑप्शनल भी कंपल्सरी है, बट अमंग ऑप्शनल यू गेट अ चॉइस। लेकिन जीएस में तो कोई चॉइस नहीं ना है, वेदर यू हैव पॉलिटिकल साइंस एज योर ऑप्शनल, यू हैव इकोनॉमिक्स एज योर ऑप्शनल, तुम्हारे पास ज्योग्राफी एज योर ऑप्शनल, मजहर के पास सोशियोलॉजी एज योर ऑप्शनल, बट जीएस फोर तो 1, 2, 3, 4 तो आपको करना ही करना है। सो व्हेन इट कम्स टू जीएस, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे लाइक इट और नॉट। सो 4 जीएस सब्जेक्ट कैन हेल्प यू फेस समवेयर बिटवीन 380 to 460-470 मार्क्स। पूरी बात समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस बार का जीएस का जो हाईएस्ट स्कोर था दैट वाज 492, 1000 में 492, अबव 450 ओनली 11 स्टूडेंट्स वर देयर, 11 बच्चे का आया है। सो 1000 में अगर आप बहुत अच्छा जीएस का आंसर लिखते हैं, सो बहुत अच्छा, देन समवेयर यू विल बी गेटिंग 430, 440, 450। हाँ, 430, 440, 450, 460 मतलब आप टॉप क्वालिटी के हैं। 460 का मतलब अगर मान लेते हो कि आप लोग चारों के चारों, पांचों के पांचों जो हो टॉप क्वालिटी के हो, सो 1000 में इफ यू गेट 460 कितना परसेंट आया? 46%। नाउ लेकिन ऑप्शनल में यू कैन इजिली स्कोर मोर देन 60% प्रोवाइडेड यू हैव कमांड ओवर द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है तो वहां पे आप 60% नंबर ला सकते हैं। इसी बार PSIR ऑप्शनल से जो टॉपर है इस्ता किशोर रैंक 1, तो उसका 313 आया है। सो इजिली यू कैन स्कोर 60% इन ऑप्शनल, लेकिन जीएस में हाथ पैर मारते रह जाओगे तब भी 50% भी लोग टच नहीं कर पाते हैं। किसका? इसी तक। मैंने चेक नहीं किया है। ओके, आई हैव नॉट चेक। मैंने ये बस चेक किया था कि हाईएस्ट कितना आया है। हाईएस्ट वाज 492 एंड अबव 450 11 बच्चे या 12 बच्चों का आया है बस। आर यू गेटिंग? तो मैं क्या बोल कह रहा हूं कि अगर तुम बहुत हाथ पैर मारोगे तब भी जीएस में यू कैन नॉट टच इवन 50%, बट इन PSIR यू कैन इजिली गेट अराउंड 60% मार्क्स। दैट्स द वन एडवांटेज। सेकेंड, वन कैन सी वॉट ऑप्शनल कैन ब्रिंग ऑन द टेबल। इट कैन डिटरमाइन एवरीथिंग वॉट एवर यू ऑलवेज वॉन्टेड वेन यू डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर सिविल सर्विसेज। जब सिविल सर्विसेज डिसाइड किया अद्वितीय, तो क्या सोचा था, क्या तुमको बनना है?
what you wanted to always you wanted to become? IAS. Good. Majhar? IAS. किसी ने IRS बोला, किसी ने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस बोला, किसी ने इंडियन रेलवे सर्विस बोला, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बोला? सो एवरीवन इज एक्चुअली रनिंग बिहाइंड टॉप 72 रैंक. अगर जनरल कैटेगरी से हो, 72 सीट्स जो है आईएएस के लिए है जनरल कैटेगरी में, टोटल 180 है, उसमें 40% आर फॉर जनरल कैटेगरी. 72, 73, 78 जाते जाते जनरल कैटेगरी, उसके बाद उनको आईपीएस मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि या आईएफएस मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि 5-6 बच्चे जो टॉप 72 में हैं, हो सकता है वो आईएफएस लिए हों. सो जनरली 72 सीट्स आर ओनली रिजर्व फॉर यू. टोटल 1000 में मात्र 72 सीट आपके लिए है लड़ने के लिए. आर यू गेटिंग मजर? सो इट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड योर यूपीएससी पैटर्न. जब आप देखोगे, सो इट डजंट आस्क यू टू बी टॉपर इन एवरीथिंग. ऐसा नहीं बोलता है कि आप ऑप्शनल के भी अच्छे हो तो जीएस 1, 2, 3, 4 में भी सब में ये रहो. ऑन एन एवरेज यू नीड टू स्कोर बेटर देन अदर्स. मैंने हमेशा बताया था, कॉम्पिटिशन में वॉट मैटर्स इज हाउ मच लीवरेज डू यू इंजॉय ओवर अदर्स. इट डजंट मैटर कि तुम प्री में 200 में 200 नंबर ला रहे हो. अद्वितीय इंपॉर्टेंट ये है कि 87 से ऊपर आना चाहिए. जो कट ऑफ, जैसे लास्ट टाइम कट ऑफ 87 था, तो उससे ऊपर रहना चाहिए. तुम 200 लो, शिवम 88 लो, तब भी दोनों एक ही पेडेस्टल पे हो, राइट? सो इंटरेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट इन द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. कौन सा सब्जेक्ट तुम पीएसआईआर ऑप्ट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है. यस प्राची, गुड आफ्टरनून. सो सी इफ राइट गाइडेंस इज अवेलेबल फॉर यू इन योर चूजन ऑप्शनल. ऑप्शनल चूज कर लिया. एक बच्ची आई थी मेरे पास, बोली कि सर मुझे संस्कृत ऑप्शनल लेना है. एक सिंगल बच्चा याद है ना, एक सिंगल एग्जामिनेशन में कोई ऑप्शनल संस्कृत नहीं लिया था. यू वुड नॉट गेट अ गुड टीचर फॉर इट. ये प्रॉब्लम है. सो नेक्स्ट इज Why PSIR as your optional? मैं हमेशा बच्चों को जब भी मेरे पास आते हैं तो ये बात बताता हूं, Why you should opt for PSIR? PSIR जो है यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट आप खोलकर देखिएगा. सो एनुअल रिपोर्ट when you will open, you will realize कि why PSIR is the most preferred among other options, means among optionals. जो 26 subjects हैं optional में, why PSIR is most preferred? There must be certain reason ना. तो सबसे पहला रीजन ये है कि पीएसआईआर में जब अभी सिलेबस पढ़ाऊंगा, प्लीज प्लीज गिव देम द पीएसआईआर सिलेबस, डिस्ट्रीब्यूट देम पीएसआईआर सिलेबस. सो व्हाट एवर थिंग, हाँ, जब पीएसआईआर का सिलेबस देखोगे, सो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी वाला पार्ट है, इट सिग्निफिकेंटली ओवरलैप विद GS2 पेपर. तो 500 का तो तुम्हारा वो तैयार हो गया, GS2 वाला 250 तैयार हो गया, तो 750 तो 1750 में ऐसे ही आ गया तुम्हारे पास. देन PSIR इन जनरल इज इंटरेस्टिंग. मैं खुद ही आपको ऑनेस्टली बताता हूं कि कहां पे बोरिंग लगेगा. बोरिंग जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, और ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है जहां आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है. कुछ ना कुछ तो थ्योरी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं, और वो थोड़ा बोरिंग होता है. उस बोरियत को दूर करने के लिए करना क्या है कि वहां से रिलेटेड जो भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको रोज करना है. से इफ आई एम टीचिंग यू प्लेटो, प्लेटो में एक कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग. किसी को है आइडिया व्हाट इट इज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग? ऑनलाइन जनता कुछ है आइडिया फिलोसोफर किंग के बारे में? बाबू क्या है? वर्तिका, हाँ? प्राची कुछ है आइडिया? नहीं. सो फिलोसोफर किंग एक थ्योरी दिया हुआ है प्लेटो के हिसाब से. उनके हिसाब से ढंग से समझो कि जैसे हर चीज के एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर होते हैं, जैसे मेडिसिन का होता है डॉक्टर, उसी तरीके से राजा भी जो बनना चाहिए वो उसका एक्सपर्ट हो. तो वो क्या बोलते हैं कि फिलोसोफर किंग जो होगा वो वैसा ही एक्सपर्ट होगा जो कि किंग की तरह उस पूरा का पूरा किंगडम को चलाएगा, पूरे साम्राज्य को जो चलाएगा.
मैं उसके बारे में बात करूंगा, थ्योरी के बारे में, मैं बोलने का ये मतलब है। तो कुछ पार्ट जो है इसका ये है, लेकिन कमिंग टू व्हेन यू कंपेयर इट विद द अदर ऑप्शन ऑप्शनल, सो अमंग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट दिस इज मोस्ट डायनेमिक। आज ही आया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑटोमेटिकली दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर PSIR 2। राइज ऑफ बीजेपी इन लास्ट 10 years, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर UPSC ऑप्शनल PSIR प्लस GS2। सो बेसिकली यहां पे डायनामिज्म का बहुत स्कोप है। रोज न्यूज आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, इंटरनेशनल रिलेशन से, सडनली यू हियर अबाउट से कि देर इज अ नाउ इंडिया इज गोइंग टू साइन अ ट्रीटी विथ IFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। सो ऑटोमेटिकली दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर PSIR रिलेशनशिप, मल्टीलेटरल रिलेशनशिप एज वेल एज GS2 रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशन। सो PSIR जो बहुत वहां पर डायनेमिक है, यू हैव अ स्कोप फॉर मेकिंग मल्टीपल न्यू, यू हैव अ स्कोप फॉर लर्निंग मल्टीपल न्यू थिंग्स, ये बाकी ऑप्शन पे अप्लाई नहीं होता है। हिस्ट्री में क्या चेंज होगा, ज्योग्राफी में क्या नया फिनोमिनन हर साल आ रहा है, सोशियोलॉजी में क्या ऐसा नया फिनोमिनन आ रहा है, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर PSIR। अभी परसों व्हेन अभ्यानंद सर वॉज हेयर, आई आस्क्ड अबाउट आर्टिकल 200, डू यू रिमेंबर? सो आर्टिकल 200, सो आर्टिकल 200 आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लिखा हुआ है एंड द वे इट हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, नाउ दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो वो डायनामिज्म है वो PSIR में आपको पढ़ना है। सो बोरिंग नहीं है ये, देर आर मल्टीपल डायनेमिक थिंग्स हरिओम जो कि तुमको पढ़ना होगा PSIR में, वहां पे काफी ज्यादा डायनेमिक चीज है। समझ में आ रहा है? कुछ भी दिक्कत हो बाबू पूछना, ठीक है, मैं फ्लो में चलता जाता हूं, कुछ भी प्रॉब्लम हो हाथ उठा के बता देना, ठीक है, समझो आगे। सो PSIR इन जनरल इज इंटरेस्टिंग एज एसोसिएटेड विद डायनामिज्म दैट इज गोइंग इन एंड अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम, रिलेशंस बिटवीन नेशंस, डिबेट्स इन पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड मेनी मोर। फॉर इंस्टेंस अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिबेट हो रहा है कि नहीं उत्तराखंड में? सो नाउ यू नीड टू नो एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू UCC। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताओ, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है पता UCC के बारे में? साहबानों के बाद अभी आप चुप रहिए। अद्वितीय साहबानों के अलावा केस कोई? अभी तो बताया था सरला मुदगल, हाँ बताया था ना, तीनों केस याद है? बताओ कौन कौन? हाँ तीन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ UCC इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ उत्तराखंड। तो अब UCC से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, व्हाट इज UCC, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में DPSP में UCC के बारे में क्या बोला गया है? सी DPSP में क्या कहा गया है, ओपन योर कॉन्स्टिट्यूशन DPSP। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ UCC थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं ना? सो DPSP अब UCC इज इन न्यूज। आर्टिकल 44 ऑल्सो प्लेसेज एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में भी वो है। सो डायनेमिज्म है कि नहीं? So, PSIR में जनरली जो अमंग अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट दिस इज द मोस्ट डायनेमिक वन। कमिंग टू PSIR इज वेरी इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, PSIR इज इंटरकनेक्टेड। PSIR में GS2 तो तुमको हेल्प करेगा, इवन इन GS1 एंड GS3 राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट वुड हेल्प। बीइंग अ स्लाइटली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट में इशू क्या है कि जनरली अब तुम ह्यूमैनिटीज किए हो तो तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चीजें नहीं समझ पाओगे इतनी आसानी से, लेकिन बीइंग अ स्लाइटली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट
एस्पिरेंट्स जो हैं आराम से इसके टर्म्स को समझ लेते हैं, थोड़ा मेहनत करना होता है, आराम से समझ लेते हैं, और उनका अगर PSIR का बैकग्राउंड नहीं भी है तो 3-4 महीना अगर ढंग से इफ दे वुड गिव देयर टाइम, बिलीव मी दे कैन इजली, दे वुड बिकम द मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे देखते हैं ड्रॉबैक्स. मैं पॉजिटिव पॉइंट बताया हूं तो साथ में कुछ ड्रॉबैक्स भी बताया हूं कि जब PSIR चूज करोगे तो उसके साथ निगेटिव पॉइंट्स क्या है. पहला चीज, PSIR हैज अ लॉट ऑफ थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, और वो सब जगह है. ऑलमोस्ट जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं आपके, आपको कुछ ना कुछ थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना होगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इट रिक्वायर्स हिटिंग द बुल्स आई अप्रोच. बेसिकली ये मतलब है कि क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, से इफ दे हैव आस्क्ड अबाउट फिलोसोफर किंग, सो हिट द बुल्स आई इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश. सीधा उधर नहीं घूमना है, सीधा देखो टू द पॉइंट बात करना है. 150 वर्ड, 250 वर्ड, 200 वर्ड, यही लिखना है ना तुमको. तो अगर इधर उधर घूमोगे तो क्या लिखोगे यार. फिलोसोफर किंग थ्योरी प्लेटो ने जो दुआ दिया है वो 100 पेज का है, तुमको लिखना है 250 वर्ड में. तो इधर उधर नहीं घूमना है, हिट द बुल, ये रखना है कि हिटिंग द बुल्स आई अप्रोच हमेशा दिमाग में रखना है. एकदम सीधा मछली के आंख पे निशाना मारना है, इधर उधर नहीं घूमना है. फर्स्ट थिंग, मेमोराइजिंग नेम ऑफ अ स्कॉलर इज इंपॉर्टेंट. किस स्कॉलर ने क्या बोला है, दैट एक्चुअली मेक एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम GS. उसका नाम ऑप्शनल इसीलिए ना है, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो अगर तुम कुछ बोल रहे हो, मान लो कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया और व्हाट शुड बी द करेंट इंडियन स्टैंड्स टुवर्ड्स चाइना, तो तुम लिख रहे हो कुछ करेंट स्टैंड्स, और उसमें जयशंकर साहब ने इस बुक में वाई भारत मैटर्स में उन्होंने वो जो तुम बातें लिख रहे हो उसको उन्होंने बोला कि ये होना चाहिए, तो द मोमेंट यू वुड राइट कि एस जयशंकर इन द बुक भाई भारत मैटर्स दिस इज व्हाट ही हैज सेड, दिस शुड बी द स्टैंड्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट चाइना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मार्क्स वहां पे बढ़ जाएगा. तो जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसमें एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है, व्हाट अशोक गांगुली हैज सेड अबाउट से MSP, सो ऑटोमेटिकली इट वुड गिव क्रेडिबिलिटी टू योर आंसर. व्हाट RBI इज सेइंग अबाउट समथिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में RBI क्या बोल रहा है. सो जब इंस्टीट्यूशन का नाम, एक्सपर्ट्स का नाम लिखोगे तो यहां पे मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा. रेफरेंस लेना है, ठीक है. सो मेमोराइजिंग नेम ऑफ अ स्कॉलर इज इंपॉर्टेंट. इफ यू आर सेइंग अबाउट फिलोसोफर किंग, तो फिलोसोफर किंग के बारे में लिखने के बाद हु आर द क्रिटिक ऑफ फिलोसोफर किंग थ्योरी, तो वहां पे आपको मेंशन करना है एरिस्टोटल, कार्ल पॉपर. कार्ल पॉपर कंसिडर्ड प्लेटो एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. बताऊंगा वो सब, अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी समझना क्या मैं बोल रहा हूं. तो फिलोसोफर किंग के अगेंस्ट में कार्ल पॉपर लिखते हैं क्या, कि प्लेटो जो था थ्रू फिलोसोफर किंग ही वॉज गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ ओपन सोसाइटी, सो ही कॉल्ड हिम एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. आर यू गेटिंग. सो लेंथी ऑप्शनल, 4.5 महीना आपका टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में. वन ऑफ द मोस्ट टेकन ऑप्शनल विच इन्हेंसेस कॉम्पिटिटिवनेस. लास्ट ईयर 1800 बच्चे जो प्री में क्वालिफाई हुए थे वो मेन्स PSIR से लिखे थे. तो जब 1800 बच्चे, मतलब 26 सब्जेक्ट है और 10,000 में अकेले 1800 बच्चे PSIR लिए हुए हैं, और इसी से सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी होता है. लास्ट ईयर हाईएस्ट सिलेक्शन केम फ्रॉम PSIR. हर 5 बच्चे में से एक बच्चा PSIR का था सिलेक्शन में. मैं आपको डेटा UPSC का दे दूंगा. सो हाउ PSIR इज इंटरडिसिप्लिनरी, हाउ इट इज कनेक्टेड विथ GS सब्जेक्ट्स. मैं जनरली बच्चों को वो बताता हूँ जो मोटा मोटा चीज होता है. मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ सिलेबस जो है आपका वो PSIR से आप कवर करते हैं, लेकिन बिलीव मी ऑनेस्टली आई एम सेइंग यू कवर नियरली 60% ऑफ योर सिलेबस GS सिलेबस थ्रू PSIR. अभी सुनो कैसे होता है, ढंग से समझना. GS1 नेशनल मूवमेंट सेक्शन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इट इज पार्ट ऑफ PSIR ऑल्सो. पोलिटिकल साइंस में भी ये पढ़ना है.
तो 30 मार्क्स वहां से आएगा. स्टडिंग अबाउट इंडियन पोलिटिकल थॉट ऑफ पी एस आई आर गिव्स एन एक्स्ट्रा एज टू यूपीएससी एस्पिरेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन. मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन में आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा क्या के जब आप आईपीटी पढ़ेंगे. इंडियन पोलिटिकल थॉट में आपको क्या क्या पढ़ना है. इंडियन पोलिटिकल थॉट में महात्मा गांधी का थॉट पढ़ोगे, अरविंदो का थॉट पढ़ोगे, टैगोर का थॉट पढ़ोगे. तो जब वो सब पढ़ोगे सो ऑटोमेटिकली दैट गिव्स एन एक्स्ट्रा एज. इंडियन सोसाइटी टॉपिक जो है रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, रोल ऑफ कास्ट, वुमेन मूवमेंट, सारे के सारे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का भी पार्ट है. यहां से हर साल 50 मार्क्स का आता है. ये तो जीएस वन का हो गया. जीएस पेपर टू इंटायरली ओवरलैप विद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. कमिंग टू जीएस पेपर थ्री, व्हेन यू आर डीलिंग विद सिक्योरिटी इश्यूज, पॉलिटिकल इकोनॉमी इश्यूज, पीएसआईआर कैन हेल्प यू. वहां से 50 नंबर. तो 500, 750, 30 और 50, 80, 830, 50, 880. देन कमिंग टू जीएस फोर, एथिक्स सिलेबस सिग्निफिकेंटली ओवरलैप विद पीएसआईआर सिलेबस. वहां पे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं स्टार्ट जो करूंगा मंडे से क्लास वो WPT से ही करूंगा क्योंकि सबसे बोरिंग टॉपिक है. मैं ये पहले बोलकर डरा नहीं रहा हूं, WPT जो है वही क्रक्स है. बोरिंग नए बच्चों को लगेगा लेकिन वहां पे अगर अपना फुट होल्ड बैठा लोगे तो पॉलिटिकल साइंस इजी है. उसके बाद तो पॉलिटिकल साइंस को तो इतना प्यार करने वाले हो कि क्या मैं बताऊं. सो WPT से हर साल कोटेशन आता है एथिक्स में 30 नंबर का. 3 क्वेश्चन आता है WPT से और वो आपको पूरा का पूरा. तो पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी के बच्चों को यहां जरूर मदद मिलता है वो 30 मार्क्स का. कैन इक्विप विद वेरियस अल्टरनेटिव. ऐसे में 2021 से UPSC ने अपना अप्रोच चेंज कर लिया है. UPSC का अप्रोच ऐसे में चेंज हो चुका है. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग. अभी पहले वो पेस्टल एनालिसिस कराते थे. वो आता था कि 10 हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, विजन, ये सब का खरीद लिए एक मैगजीन, उसमें 10 ऐसे लिखा रहता था और बच्चे वही रट के जाते थे. और पेस्टल एनालिसिस होता क्या था अद्वितीय, कि उसमें वो बोलते क्या थे कि बच्चे लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, ऐसे करके आंसर लिख के 1000 वर्ड आ जाते थे. पूरा का पूरा जीएस को वहां चिपका देते थे. अब यूपीएससी 2021 से ऐसे में ट्रेंड चेंज करती है. नाउ दे आर आस्किंग फिलोसॉफिकल टॉपिक्स. वो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पूछ रहे हैं. वो आप कंप्लीट पेस्टल एनालिसिस से कर ही नहीं सकते. सर, इफ समवन हैज नो आइडिया अबाउट PSIR, इज इट अ गुड टू गो ऑप्शनल. सी, यू आर विक्रम, विनीता, ओके, हे विनीता, सी, इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एनी ऑप्शनल, बिलीव मी PSIR इज द बेस्ट वन, गो फॉर इट. आंख बंद करके PSIR के लिए जाना है. इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एनी ऑप्शनल, गो फॉर PSIR. That is why I was explaining how it is interdisciplinary. GS1 mein you are getting age, GS2 mein you are getting age, Indian society which is part of GS1, there you are getting age, GS paper 3 mein where you will be dealing with security issues, political economy issues, wahan pe bhi PSIR would help you. Coming to GS4, ethics syllabus, jo quotation hai wo pura ka pura PSIR, WPT jab padhaunga to wahan se related hai wo Vinita. So, वहां पे एज आपको इन ऑलमोस्ट ऑल द जीएस सब्जेक्ट PSIR वुड गिव यू एज. सो अप्रोक्सीमेटली 1750 मार्क्स में नियरली 950 मार्क्स यू कंप्लीट थ्रू पोलिटिकल साइंस, मोर देन अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ द सिलेबस ऑफ UPSC. अभी देखो ऐसे में क्या हुआ है विनीता, कि लास्ट 3 ईयर्स एक नया ट्रेंड UPSC ने शुरू किया है. पहले होता क्या था कि पेस्टल एनालिसिस के थ्रू दे वर डूइंग. नाउ UPSC हैज चेंज्ड इट्स अप्रोच. UPSC इज नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर पेस्टल एनालिसिस. वहां पे दे आर डायरेक्टली पिकिंग अप सम फिलोसॉफिकल टॉपिक.
फिलोसॉफिकल टॉपिक को आपको एड्रेस करना होता है, सो उसमें पेस्टल एनालिसिस कहीं हेल्प नहीं होगा। वहां पे यू नीड टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। हाउ मच आइडियाज यू आर पुटिंग इनटू, हाउ मच न्यू आइडियाज यू आर पुटिंग इनटू, कि कोई कॉन्सेप्ट अगर उन्होंने दिया है उसको आप कैसे क्रिएटिवली यू आर यूजिंग, हाउ यू वुड यूज दैट आइडिया टू इंप्रूव द सोसाइटी, हाउ यू वुड यूज दैट आइडिया टू अंडरस्टैंड द वाइडर यू नो पिक्चर, ग्रेटर पिक्चर क्या है, ब्रॉडर पिक्चर क्या है। एक एक यूपीएससी का एक ऐसे आया था, व्हाइट इज नॉट कमिंग ऑन वेल, अगेन समवन इज आस्किंग, इट सीम्स दैट पीआर, यस आई कंप्लीटली एग्री, पीएसआईआर इज द मोस्ट ओवरलैप्ड सिलेबस, यस देयर इज नो डाउट अबाउट इट प्राची, सबसे ज्यादा अगर कोई सिलेबस ओवरलैप करता है जीएस सब्जेक्ट के साथ सो पीएसआईआर, दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कि गो फॉर पीएसआईआर। अगर ऑप्शनल आपने नहीं चूज किया है देन गो फॉर पीएसआईआर, आंख बंद करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसे में ऐसे के बारे में बताता हूं, एक यूपीएससी का क्वेश्चन आया, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वॉटर अराउंड देम बट वेन वॉटर इंटर्स इन टू इट, था ना ये ऐसे का क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछ रहे थे, वो क्या करना क्या चाह रहे थे, दे वर सिंपली चेकिंग हाउ मच क्रिएटिव यू आर, हाउ मच इनोवेटिव यू आर, कितना इंजीनियस तुम हो, कितना नए आइडियाज को यू कैन प्लेस इन टू दैट एसे। तुम कैसे सोचते हो, हरिओम उसमें कैसे सोचता है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम शिवम। बींग अ सिविल सर्वेंट you are supposed to use some innovation in the field, wo innovation lane ke liye they were checking, pehle hota kya tha ki bacche rat ke jate the aise, ab wo hota hi nahi hai, aatho ka aatho aise jo is baar upsc ne pucha hai, pichle baar pucha hai, all were philosophical topics, ek single pastel analysis ka nahi tha, so that is changing। ab when you will be reading western political thought, indian political thought, jab main gandhi ke bare mein padhaunga, jab प्लेटो के बारे में जानोगे, मैक्यावेली के बारे में जानोगे, हॉब्स के बारे में जानोगे, लॉक के बारे में जानोगे, रूसो के बारे में जानोगे, हैना अरेंट के बारे में जानोगे, तो मार्क्स के बारे में जानोगे, तो उस समय तुम्हें एक नया डिफरेंट नजरिया दिखेगा, बिकॉज दे ऑल हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, उनका जो देखने का नजरिया था दैट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो यू गेट अ डिफरेंट, यहां पे जो फ्रेमवर्क तुम्हारा है वो अलग अलग देखेगा। मार्क्स जो है वो चीजों को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, वहां पे सब कुछ में वो ह्यूमन एंगल लगाते हैं। प्लेटो जो है वो पूरा का पूरा फिलॉसफी, मतलब पूरा का पूरा एलीट एंगल लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस होंगे जहां से आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। एक बच्चा जो है घर में रह रहा है, क्यों बच्चे को सोसाइटी में भेजा जाता है, स्कूल में क्यों भेजा जाता है, चाहे उसके माता पिताजी प्रोफेसर क्यों ना रहे या बहुत पढ़े लिखे क्यों ना रहे, रीजन इज अदर देन बुकिश नॉलेज, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सोसाइटी फंक्शंस। मेरी बात समझ रहे हो, वही तरीका है, तो अलग अलग डायमेंशन जानते हो। व्हेन मैं जब शिवम के साथ हूं, हरिओम के साथ हूं, अद्वितीय के साथ हूं, मजहर के साथ हूं, तो चार अलग अलग लोगों का चार अलग अलग सोचने का तरीका, अभिषेक के साथ हूं तो मैं पांच अलग अलग लोगों का तरीका मैं जान रहा हूं कि उनका क्या डायमेंशन है सोचने का, वो क्या डायमेंशन जो है मेरे से अलग है, एंड देन साइमल्टेनियसली आई एम गेटिंग एडिशनल डायमेंशन जो मेरे से अलग होगा। हो सकता है शिवम अलग तरीके से सोच रहा हो, आर यू गेटिंग, तो वो पीएसआईआर आपको हेल्प करेगा वहां पे। ऐसे में बिलीव मी इट इज गोइंग टू गिव यू एज ऑफ 30-40 मार्क्स, ये मैं 950 से हटाने के बाद बोल रहा हूं कि 30-40 मार्क्स का ऐसे में अलग से एडिशनल एडवांटेज। सो अप्रोक्सीमेटली 1000 मार्क्स का अराउंड 60% ऑफ सिलेबस यू कैन डू डायरेक्टली थ्रू पीएसआईआर, एंड दिस इज नॉट एग्जेजरेशन। अगर किसी को लग रहा होगा कि मैं पीएसआईआर पढ़ाता हूं इसलिए बोल रहा हूं, यू कैन टॉक टू एनी ऑफ द एस्पिरेंट, यू कैन टॉक टू एनी ऑफ द यूपीएससी एडुकेटर, इफ दे वुड नॉट एग्री विथ मी टेल मी वॉट एवर यू वुड से आई वुड गिव बैक। मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, एक सिंगल टीचर, तुम सोशियोलॉजी लेते हो, यू टेक सोशियोलॉजी एज योर ऑप्शनल, 500 मार्क्स का ऑप्शनल कंप्लीट होगा, साथ में 100 नंबर का सोसाइटी डन, 600 नंबर कंप्लीट करोगे और क्या, अधिक से अधिक थोड़ा सा हेल्प ऐसे में मिलेगा, 650 का मान लेते हैं,
हिस्ट्री लोगे 500 और 50 नंबर, 550 नंबर, हो सकता है ऐसे में 20-30 नंबर, डन। ज्योग्राफी लेते हो 550 नंबर का इधर, ह्यूमन ज्योग्राफी एग्रीकल्चर 70 नंबर, 620, उसके अलावा क्या लोगे? बट दिस इज एन ऑप्शनल दैट कैन हेल्प यू। तो कंजर्वेटिवली भी मैं मांगता हूं, ऐसे को हटा दिया तब भी 50% ऑफ योर सिलेबस कैन बी कवर्ड यूजिंग PSIR एज योर ऑप्शनल। एग्जाम निकलने की बात नहीं है, तुम्हारा जो तरीका है जब पढ़ाई जब करोगे, तो होता क्या है बच्चों के साथ कि GS 1, 2, 3, 4 जब सब पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं होता है। जब PSIR का IGP कर लोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक दिमाग में रहेगा कि मेरा GS 2 कंप्लीट है। सो साइकोलॉजिकल एडवांटेज UPSC में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक स्टोरी बताता हूं, बेन स्टोक्स का सब नाम जानते हो, इंग्लैंड का, वो लगातार बैटिंग कर रहा था और 3 बार बोल्ड हुआ। ब्रेंडन मैकुलम अभी इंग्लैंड का कोच है, वो खेलने गया और लगातार 3 बॉल पे 3 छक्का मार के आया। यू नो व्हाई? बताओ क्या होगा रीजन? बेन स्टॉक जो है ही इज अ प्लेयर, सो साइकोलॉजिकल प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर रहता है परफॉर्म करने का। बट ब्रेंडन मैकुलम क्या है, कोच है उसका, वो उससे फर्क ही नहीं पड़ता यार ना। साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है ना, दैट एक्चुअली वो प्रॉब्लम करता है। ज्यादातर जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं उनके ऊपर वही साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा टू परफॉर्म इन दैट एग्जामिनेशन, वो प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेसिकली यही मैं समझा रहा हूं कि गो फॉर PSIR, आंख बंद करके जाओ, मजा आने वाला है, सब्जेक्ट में एंजॉय करोगे। एनी ऑनलाइन जनता कुछ पूछना है बाबू? मेरे को लाइव क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है। ओके, अभी कुछ देर पहले पूछा गया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लास्ट गर्ल हु आस्क्ड? पारिक, पार्थ, पार्क। क्या क्वेश्चन था? ओके 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 ओके, हाँ हाँ, दैट्स करेक्ट, पार्थ, पार्क। ओके, नाम भी यार कैसे रखते हो। ओके, इन पर्सनालिटी टेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, एक और बात बता देता हूं, जब इंटरव्यू के लिए कॉल होगा तो तुम मैकेनिकल इंजीनियर लो, तुम मैथ्स ऑप्शनल लो, तुम कोई भी ऑप्शनल लो, क्वेश्चन वहां पे कोई टॉपिक से आए या ना आए, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन से जरूर पूछेंगे। इट डजेंट मैटर वेदर यू वर हैविंग मैथ्स एज योर ऑप्शनल और IIT से कोई डिग्री लेकर गए हो और वही इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है वो उठाकर गए हो, इट डजेंट मैटर टू बोर्ड मेंबर। वहां से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे, वो क्वेश्चन रहेंगे, बट IR जो है इंटरव्यू बोर्ड का सबसे फेवरेट डोमेन है, वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेगा। एक बोर्ड मेंबर आपको सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस पर ही इवेल्युएट करने वाला है, मतलब 5 जो मेंबर इंटरव्यू में रहेंगे, कोई एक बोर्ड मेंबर सिर्फ IR का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। समझ में आ रहा है? तो तुम यार पढ़ो या ना पढ़ो, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, GS 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू इन प्रिलिम्स, एवरीवन नोज द सिग्निफिकेंस ऑफ PSIR। लास्ट ईयर 16 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी, 16 क्वेश्चन IR का अगर मैं मिला दूं मैपिंग वाला सेक्शन तो वो और बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ क्रूड पॉलिटी की बात कर रहा हूं, 16 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड, मतलब 100 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन डायरेक्टली पॉलिटिक्स के थे, एंड दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब अगर बेसिक्स क्लियर है तो इनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टेकन टू प्रिपेयर, सो अराउंड 4.5 मंथ्स आर इसेंशियल टू प्रिपेयर इट। अर्ली वर्ड्स डू हैव एडवांटेज, अर्ली वर्ड्स मेरा यहां पे बोलने का मतलब है कि यू डिसाइड टू गो फॉर UPSC, हाँ, तो तुम जून से ही GS भी स्टार्ट कर रहे हो, जून से ही ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हो अगले साल से, उनके लिए दिक्कत है। देखो ऑप्शनल में आपका 2.5 से 3 घंटे का क्लास हो रहा है, GS में 2.5 से 3 घंटे का क्लास हो रहा है, प्लस यू विल बी डूइंग GS में 2.5 घंटे, रश्मि यू आर सो लेट कम,
already 40 minutes of session you missed. So PSI are optional. So early birds do have advantage. तो उस समय जून में ही तुमने PSIR भी लिया, जून में ही तुमने GS2 भी लिया, GS भी लिया, तो जून में आपके पास डबल लोड होगा. यू विल बी स्टडिंग ऑप्शनल ऑल्सो, प्रिपेयरिंग ऑप्शनल ऑल्सो प्लस GS सब्जेक्ट ऑल्सो. तो 5 से 6 घंटे वहां चला गया, अगर 2 घंटा भी न्यूज पेपर पे यू आर गिविंग, यू आर गोइंग टू गिव अराउंड 8 आवर्स. सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कब मिलेगा? जो 2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराने के लिए कह रहा हूं वो कब करोगे? बिलीव मी, व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर PSIR ऑप्शनल, तो उस समय अगर PSIR का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो तुम्हें एक आंसर लिखने में 1 घंटा टाइम लगेगा. मेरा एकदम गारंटी के साथ मान लो मेरी बात. और तब भी जब यहां मेरे को दिखाओगे तो मैं बोलूंगा क्या बकवास लिख कर लाए हो. मैं मतलब ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूं जो फीडबैक मैं देने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि रियल में बकवास, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा तब भी बकवास लिख कर लाओगे, क्योंकि आंसर स्ट्रक्चरिंग जो है ना अद्वितीय रश्मि, दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक, वो बिना प्रैक्टिस का नहीं सीख पाओगे. है ना कहावत, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान. तो वो बिना किए हुए नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना होगा, रोज 2 आंसर्स लिखने होंगे तभी वहां एक्सपर्टीज होगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डू सो. हाथ में बम्प, उंगली में बम्प पड़ जाना चाहिए. ऑप्शनल की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि उंगली में बम्प पड़ जाए, आकर बोलो कि सर कितना लिखवा रहे हो यार, हाथ अब प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, तो अर्ली वर्ड्स डू हैव एडवांटेज. अभी फरवरी में तुम स्टार्ट कर रहे हो तो आराम से जून एंड तक या जुलाई सेकेंड वीक तक हम लोग का ऑप्शनल खत्म हो गया, देन यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट ओनली टू GS. एक लोड कम हुआ कि नहीं? यही रीजन है कि जो शुरू में स्टार्ट करते हैं PSIR मान लो या कोई भी ऑप्शनल, अगर स्टार्ट तुम फरवरी जनवरी में कर दिए हो तो तुम्हारे पास एडवांटेज है vis-a-vis those aspirants जो कि जून में दोनों चीजें स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं जनरली बच्चों को यह बोलता हूं, जो भी बच्चा मेरे से पूछता है, कि गो फॉर पहले ऑप्शनल, ऑप्शनल का फाउंडेशन तैयार कर लो 4 महीने 5 महीने में, देन स्टार्ट योर GS. मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूं, हो सकता है अलग अलग टीचर का अलग अलग राय हो, लेकिन पर्सनली मैं ये बोलता हूं बच्चों को कि अगर जून में तुम GS कर रहे हो तो उस समय फिर ऑप्शनल मत करो, लीव इट, दोनों को साथ में मत करो. अगर ऑप्शनल में बैकग्राउंड है, जैसे मैंने अपना मास्टर्स ही किया IR में, ग्रेजुएशन ही किया पॉलिटिकल साइंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू डोंट नीड टू रिवाइज एवरी डे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू आर गोइंग ओवर देयर सो दैट यू कैन गेट अ कंसोलिडेटेड नोट एंड देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. मैं फर्स्ट डे से आंसर लिखता था, मेरा कोई भी आंसर 15 मिनट्स से क्रॉस नहीं हुआ है आंसर लिखने में मेरा टाइम, एंड इट यूज टू बी बेस्ट. लेकिन वो तुम्हारे साथ एप्लीकेबल नहीं होगा. Those who are not having background in PSIR, रश्मि मिनिमम आपको 1 घंटा एक आंसर लिखने में लगेगा, और वो लेकर आओगी, उसके बाद मैं बोलूंगा क्या रश्मि क्या बकवास लिख कर लाई हो, उसी समय हिम्मत टूटेगा. लेकिन सीखना वैसे ही है रश्मि. आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है रश्मि? सिलेबस, रश्मि को सिलेबस दे दीजिए. कमिंग टू डेटा, ये देख लो डेटा है PSIR का, जो UPSC के एनुअल रिपोर्ट से मैंने निकाला है. 2018 में 10,246 बच्चे में टोटल ऑप्शनल कितने हैं हरिओम? टोटल ऑप्शनल हैं कितने? 26 रश्मि. ठीक है, तुम सारे लैंग्वेज को काउंट कर ले रही हो. ठीक है, सो appeared इन mains रिकमेंडेड were 105. 800 बच्चे का रिकमेंडेशन हुआ, उसमें 105, हर सातवां बच्चा आठवां बच्चा एक पॉलिटिकल साइंस का था. 2019 में ये रेशियो और बढ़ गया, 11,474 में 1,662 बच्चे पॉलिटिकल साइंस के थे एंड 137 रिकमेंड किए थे, हर एक बच्चा में सिक्स बच्चे में एक बच्चा पॉलिटिकल साइंस का. 2020 में 10,343 बच्चे में 1,863 जो थे वो पॉलिटिकल साइंस के थे, 154 रिकमेंड किए गए थे. 2021 में 1,551 एंड रिकमेंडेड आर 158. टोटल 812 बच्चे में 158, 150 बच्चे 750, हर 5 बच्चा में
एक बच्चा पॉलिटिकल साइंस का था, ये डेटा है और ये कहीं और से नहीं, ये तो आप लोग खोल सकते हैं यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट, मिल जाएगा 70, 71, 72 निकाल लो, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, अब अंडरस्टैंड करो पीएसआईआर सिलेबस, पहले ये समझो क्या है पीएसआईआर में। सी देर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कोर पॉलिटिकल साइंस, ओके थैंक यू। सो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स आईजीपी, सो ये कोर पॉलिटिकल साइंस है, और ये जो है कॉम्पिटेटिव पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंडिया एंड द वर्ल्ड, इट इज कोर इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर नाम ना है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो ये वाला पार्ट कोर पॉलिटिकल साइंस का है और ये वाला पार्ट कोर इंटरनेशनल रिलेशंस का है। ओके कोई दिक्कत यहां तक, थोड़ा मिस की हो तुम, ठीक है मैं बाद में फिर बात करूंगा तुमसे, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स आईजीपी, पहले ये समझो सिलेबस में कि होता कैसे है एग्जाम में। सुनो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे दोनों सेक्शन में, 5-5 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन एक पेपर में, मान लो पेपर वन जो पॉलिटिकल साइंस का है उसमें दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी, दोनों में 10 क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के कंपलसरी होंगे, 5 ऊपर 5 नीचे वो सब करना है, 6 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स दोनों में। तो ये जो 6 क्वेश्चन में आपको 4 करने हैं इसमें से 2 करने हैं, एक में से अगर एक में से वो किए तो दूसरा जो सेक्शन है उसमें से 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स का करना है, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्शन ए से आप ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं कि 2 से कर रहे हैं, समझ में आया। सेकंड चीज समझिए, इन 10 मार्कर क्वेश्चन कोई ऑप्शन आपके पास नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, वो 10 क्वेश्चन कंपलसरी है आपको अटेम्प्ट करने करने हैं, हरिओम समझ रहे हो बाबू, वो 10 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। नेक्स्ट समझिए कि 15 मार्कर में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे 1 और 2 मिला के, उस 12 क्वेश्चन में आपको टोटल 6 करने हैं, 6 कोई भी छोड़ सकते हैं, और 20 मार्कर में 6 क्वेश्चन होंगे टोटल 2 सेक्शन में डिवाइडेड और उसमें से 3 आपको करने हैं। हाँ अभी बता देता हूं, खुद आप काउंट कर लीजिए, 3 घंटे का आपके पास समय है, 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 10, 6, 16, 3, 19 19 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 क्वेश्चन मैं कैसे करता था, मैं इनको कभी भी 70 मिनट से ऊपर क्रॉस नहीं जाने दिया, ये 10 क्वेश्चन किसी भी हालत में 70 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर क्वेश्चन 7 मिनट्स, कोई दिक्कत। अब समझिए ये 6 क्वेश्चन में मैं कभी भी यहां पे 60 मिनट से ऊपर नहीं जाने दिया, सो पर क्वेश्चन 10 मिनट्स, और ये 3 क्वेश्चन में मैं कभी भी 50 मिनट से ऊपर नहीं जाने दिया, इन सब में मैं 2-2 मिनट और बचा के चलता था, लास्ट में 6 मिनट आपको हाईलाइट करने के लिए टाइम मिल गया, समझ में आ रहा है। ये 3 क्वेश्चन 50 मिनट में हो जाना चाहिए, 16 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट पे हो जाना चाहिए, अगर यहां टाइम ज्यादा देंगी तो यहां कमेगा, यहां टाइम दोगी तो यहां कमेगा, इसको जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगी उतना पहले से ये आदत बनेगा। सो राइटिंग प्रैक्टिस करना है एवरी डे, सुनो रश्मि, एवरी डे एटलीस्ट यू आर सपोज टू राइट नियरली, मतलब अभी तो छोड़ दो लेकिन वेन विल स्टार्ट टेस्ट सीरीज, तो 3 घंटे के अंदर एटलीस्ट कोशिश ये करना है कि 12 से 14 क्वेश्चन तो शुरू में कंप्लीट हो जाए, जब पूरा का पूरा पीएसआईआर सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो 12 से 14 क्वेश्चन हो जाए, स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गाइज वुड बी एबल टू पिकअप, हो जाएगा, टेंशन उसके लिए नहीं लेना है, बुलाया था ना प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन परफेक्ट, तो वो हो जाएगा, दैट्स नॉट अ इशू, ठीक है।
आगे देखो, टिप फॉर आंसर राइटिंग इन पॉलिटिकल साइंस। आंसर राइटिंग के लिए पीएसआईआर में क्या क्या करना चाहिए, अभी जैसे बताया, से इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिका। तुम कुछ लिख रही हो रश्मि कि इंडिया का कौन सा कैसा पॉलिसी अमेरिका के लिए होना चाहिए। तुम अपना ओपिनियन अगर दोगी और तुम जयशंकर साहब का ओपिनियन दोगी या किसी और इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट शशि थरूर का ओपिनियन दोगी तो कौन सा ज्यादा रेलिवेंट होगा। आर यू गेटिंग? तो हमेशा ध्यान रखना है पॉलिटिकल साइंस में, डोंट गिव योर ओन ओपिनियन। मी आई से दिस, नो, यू आर सपोज टू यूज स्कॉलर्स ओपिनियन। जयशंकर साहब के बारे में लिखेंगे, शशि थरूर के बारे में लिखेंगे और सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट एरन लाइसफार्ट के बारे में लिखेंगे और से क्रिस्टोफी जेफ्रोलॉट के बारे में लिखेंगे, लेकिन वो नाम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। बाय द टाइम यू विल बी राइटिंग योर मेंस, इतना माइंड को प्रोसेस कर लेना है कि क्वेश्चन, नो इट इज नॉट कंप्लीटली ओपिनियन ओरिएंटेड। PSIR optional is not completely opinion oriented. Your opinion doesn't count. Who the hell you are? तुम हो कौन भाई कि तुम्हारा opinion को इतना कोई तवज्जो देने लगा भाई? Nobody cares for your opinion. अभी तो यही बता रहा हूं, use a scholar view. Are you getting park? You are no one. कोई नहीं तुम्हारे opinion को देखने वाला है, ठीक है? Opinion दोगे ना तो वहां पे marks जो है 10 mark में 3 मार्क्स देकर भेजेंगे, 2 मार्क्स देकर भेजेंगे। डजंट मैटर कि तुम बाहर इंटरव्यू के लिए कॉल तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, 12,000 बच्चे आएंगे, उसमें से 2,000 को बुलाना है, उनको 2,200 को बुलाना है, निकालना भी तो है बच्चों को। सो नेवर गिव योर ओपिनियन, ओपिनियन डजंट मैटर। हां, वेर एवर यू आर राइटिंग सम वे फॉरवर्ड, अगर तुम्हें लगता है कि योर ओपिनियन वुड मैटर, देन ऑफकोर्स राइट, बट PSIR ऑप्शनल क्वेश्चन आर नॉट ओपिनियन ओरिएंटेड। थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग में क्या अपना ओपिनियन तुम दोगे भाई? हाउ द हेल डू यू थिंक दैट यू आर इन अ पोजिशन टू क्रिटिसाइज प्लेटो और एरिस्टोटल, टेल मी। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? आपका रश्मि, तुम्हारा क्रेडिबिलिटी क्या है? हु द हेल यू आर टू से कि फिलोसोफर किंग का जो प्लेटो का थ्योरी है वो गलत है? हमारी औकात नहीं है कुछ, मेरी बात समझ रहे हो ना? एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देना है। कार्ल पॉपर अगर बोलेंगे, If Isaiah Berlin is saying something, if Hannah Arendt is saying something, then it matters. वो मैं कराऊंगा कि किसका ओपिनियन कहां पे देना है, ठीक है? समझ में आ रहा है रश्मि? कोई दिक्कत अद्वित? अभी समझो, सो यू नीड टू यूज अ स्कॉलर व्यू, फैक्ट्स, टेक्निकल जार्गन्स। वॉट इज टेक्निकल जार्गन? पोलिटिकल साइंस का अपना लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज को बनाना है। जैसे भगवत गीता लिखा हुआ है संस्कृत में, तो भगवत गीता का लैंग्वेज संस्कृत है। आप हिंदी में बोलोगे तो थोड़ा लूज कर जाएगा। आप जैसे चैप्टर 2 में 47 नंबर उसका श्लोक है ना, कर्म मन्ने बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर फल हेतु वुर्मा ते संघर्ष कर्मणे। अब जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे, हिंदी ट्रांसलेशन करोगे, तो उसका जो मीनिंग है रश्मि, वो नहीं रहेगा मजहर, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा। हाँ, तो उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का अपना टेक्निकल जार्गन है, वही यूज करना है। मेरी बात समझ रहे हो? सो इन द ऑप्शनल इट कैन हेल्प यू इन स्कोरिंग वेल इन दिस सब्जेक्ट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, कैन यूज कोटेशन व्हाइल रेफरिंग टू स्कॉलर व्यू। कोटेशन आप यूज कर सकते हैं, राइट्स के बारे में आया, आप बिल्कुल राइट्स के बारे में, पॉजिटिव लिबरल्स जो हैं, बिल्कुल उनके बारे में डालिए। राइट्स आर दोज कंडीशन विदाउट विच नो मैन कैन सीक एट हिज बेस्ट। लास्ट की TH ग्रीन का स्टेटमेंट है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पॉस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी डिमांड्स राइट, राइट डिमांड्स स्टेट। आर यू गेटिंग? विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ अ स्टेट। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेसिकली कोटेशन बिल्कुल यूज करना है जब भी किसी स्कॉलर का व्यू दे रहे हो। लाइक प्लेटो व्हाइल डिस्क्राइबिंग हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस कोर्ट्स दैट स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका मतलब बताओगे क्या है? स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये कोटेशन है। प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस जब अपना डिस्क्राइब करता है तो बोलता है कि स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजी है।
Aditya? Go ahead. In good 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 वो बताया अभी बता दो फिर से लेकिन वहां पे ऑर्डिनेंस नहीं होगा वो रिट पिटीशन पे चला गया सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का ठीक है देखो क्या यहां पे बोल रहे हैं प्लेटो अ स्टेट इज अ मैग्निफाइड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल बोलता है ना कि जैसी प्रजा वैसा राजा हिंदी में कहावत है ना कि जैसा प्रजा वैसा राजा तो वही बोल रहे हैं प्लेटो कि स्टेट भी जो है वो और नहीं है स्टेट का नेचर वैसा ही होता है जैसा वहां के रहने वाले लोग हैं स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज इंडिविजुअल का मैग्निफाइड वर्जन जो है दैट इज द स्टेट हाँ समझ में आया द्वितीय रश्मि बोरिंग लग रहा है हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा जब पढ़ोगे थ्योरी तो एक्चुअली तुम बहुत कुछ अभी मिस की हो अभी और देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड रैशनली ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ रहा है तो लॉजिक समझना है अगर वो मान लो एक एग्जांपल देता हूं अगर यूपीएससी इजराइल और हमास वॉर के ऊपर पूछ रहा है तो क्या लॉजिक है मजहब है सॉवरेनिटी और कंटेक्स्ट क्या है अगर इजराइल और हमास वॉर को इस बार यूपीएससी पूछेगा तो क्या कंटेक्स्ट होगा कंटेक्स्ट क्या होगा रश्मि उसका क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अद्वितीय नहीं बाबू तुम लोग बात नहीं समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं सुनो बिल्कुल यार कंटेक्स्ट ये है कि अभी इजराइल हमास वॉर हो रहा है यार कंटेक्स्ट ये ना है ये क्यों यूपीएससी पूरा इंडिया का अभी मैंने यहां पे सिलेबस बताया देखो इंडिया एंड द वर्ल्ड इसमें से बस इजराइल के बारे में क्यों पूछ रहा है भाई कंटेक्स्ट इसका ये है बिकॉज इट इज इन न्यूज राइट नाउ ये कंटेक्स्ट है इतना ज्यादा तुम लोग ग्रैंड स्टैंडिंग क्यों हो जाती हो कि यहां ये है वो है हाँ तुम कहां चले गए भाई अद्वितीय तुम कहां सिक्योरिटी में पहुंच गई चीजों को छोटे से बड़ा करना सीखो बड़ा से छोटा नहीं देखना है छोटे को बड़ा करना है ठीक है सो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा बिकॉज इजराइल वॉज इन न्यूज रशिया यूक्रेन वॉर इज इन न्यूज दैट वॉज द रीजन हाँ हाँ ठीक है Try to understand rationally of asked questions. Like, see, if any current political events are connected, if yes, then current political perspective can add heft to your answer and fetch you good marks. अगर current news में था और वो आपने context में mention कर दिया है, so it वहाँ पे अब जैसे governor का एक मिनट शिवम governor का issue है Kerala वहाँ तमिलनाडु में गवर्नर ने हाउस को एड्रेस करने से मना किया ना राइट तो अगर गवर्नर का रोल यूपीएससी क्वेश्चन में पूछ रही है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में तो वहां पे कंटेक्स्ट क्या होगा सिंपल मेंशन करोगे कि तमिलनाडु में ये इश्यू हुआ है समझ में आया बोलने का ये मतलब है हर क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक होता है पॉलिटिकल थ्योरी छोड़कर ज्यादातर कहीं ना कहीं कॉन्टेम्प्ररी न्यूज में आया है तो वो पकड़ना है इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में न्यूज़पेपर बिकम वेरी मच रेलेवेंट समझ में आ रहा है सो न्यूज़पेपर के साथ ऐड करके पढ़ना है उसको ये न्यूज अगर आप लोग मिस कर गए कि तमिलनाडु के गवर्नर ने वहां एड्रेस करने से मना किया और गवर्नर रिलेशनशिप आ गया है तो जो बच्चा ये बात लिखेगा और जो नहीं लिखेगा उसके मार्क्स में 1.5 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस आ जाएगा मेरी बात समझ रहे हो नेक्स्ट यूज एग्जांपल्स विच आर रेलेवेंट कंटेक्चुअल एंड इफ एप्लीकेबल कॉन्टेम्प्ररी ऑल्सो
अगर वैसा एग्जाम्पल यूज करना है जो उस टॉपिक के साथ रेलिवेंट है। अभी मैंने क्या पूछा, तुम लोग ई रेलिवेंट दे रहे थे तो उसमें फंसोगे। ठीक है द्वितीय, रश्मि कीप 3C इन माइंड व्हाइल राइटिंग UPSC ऑप्शनल, ये मैंने खुद बनाया है। कंपेयर लाइक ट्रेडिशनल वर्सेज मॉडर्निस्ट, कोई भी चीज लिख रहे हो तो उस पे व्यू ट्रेडिशनल क्या था और मॉडर्निस्ट का क्या व्यू है। प्लेटो हैज बीन इंटरप्रेटेड इन अ डिफरेंट लाइट। एरिस्टोटल ने प्लेटो को जो क्रिटिसाइज किया है वो क्रिटिसिज्म को बोलते हैं गोल्डन मीन। और जो अभी क्या उनका नाम है, कार्ल पॉपर ने जो क्रिटिसाइज किया है वो क्रिटिसाइज करते हैं आज का लिबरल वर्ल्ड के हिसाब से। सो ही कॉल इट कॉल हिम एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। हाँ तो विचारधारा यहां एज के साथ बदली है। ठीक है 2007 में यार तुम ऐसा बात मत बोला करो। ठीक है हाँ ठीक है, मतलब इट्स गुड, अच्छा है वो, मतलब ठीक बोल रहे हो, जवानी के साथ विचारधारा बदलती है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि समझना है कि रेलिवेंस उसका यहां पे कहा क्या है। ठीक है पहले ये समझो, देन सेकंड क्रिटिसाइज। कोई भी थ्योरी कभी परफेक्ट होता है ये बताओ, चाहे तुम प्लेटो को पढ़ो या आज का थ्योरिटिशियन को पढ़ो रश्मि, क्या वो परफेक्ट है? अगर परफेक्ट नहीं है तो उसका क्रिटिसिज्म खोजना है और क्रिटिसिज्म को लाकर वहां देना है। ठीक है एंड थर्ड इज कॉन्टेम्प्ररी, कोई न्यूज में है अगर तो कॉन्टेम्प्ररी इशू से उसको कनेक्ट करना है। तीन चीज, कंपेयर क्रिटिसाइज एंड कॉन्टेम्प्ररी। ठीक है नेक्स्ट इज कीप वन थिंग इन माइंड, दो देर इज अ सिग्निफिकेंट ओवरलैप बिटवीन GS2 IGP एंड इंटरनेशनल, येट आंसर्स ऑफ IGP एंड IR डिमांड डेप्थ। ढंग से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, GS2 और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में बहुत ओवरलैप है। जो GS2 250 नंबर का है इधर, लेकिन उसका नाम क्या है, GS2 का फुल फॉर्म क्या है, जनरल स्टडीज। तो वहां पे आपको ये सब नहीं देना है, स्कॉलर का व्यू नहीं भी दोगे तो वहां पे अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आंसर जब लिखोगे, मान लो कि अगर आप आर्टिकल 200 को इंटरप्रेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट के हिसाब से, सो जो आंसर आप लिखेंगे GS2 में और जो आंसर आप लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस में वो अलग होगा। पॉलिटिकल साइंस में 200 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो भी लिखना है, और साथ में अगर किसी इंपॉर्टेंट एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है, से सुहृद पार्था सारथी ने कुछ लिखा, तो उनका स्टेटमेंट भी PSIR में ऐड करना है, GS2 में वो ऐड नहीं करना है। मेरी बात समझ लो, मतलब कोई भी कॉन्टेम्प्ररी आइडिया अगर न्यूज में है उसके साथ स्कॉलर्स का क्या व्यू है उसको साथ में मिलाना है। कोई दिक्कत रश्मि, समझ में आ रहा है? ओके हाँ एन पालकी वाला, हाँ केशवानंद भारती केस का क्या रिलेशन है उससे, पीएस बेसिक स्ट्रक्चर से प्रीएम्बल का? बताओ बताओ बताओ, जब ये ओके सो किन का स्टेटमेंट सुनो, सबसे पहले जब अगर आएगा क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से तो वहां इतना स्पेसिफिक प्रीएम्बल पे हम घुसेंगे क्यों? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें प्रीएम्बल में हम लोग क्यों जाएंगे? क्वेश्चन अगर प्रीएम्बल से आता है, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल आता है, देन विल इंटर इन टू दैट डोमेन। अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो खुद ही इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, Why you need to enter into a specific domain? Preamble? खुद ही फंस रहे हो, आओ बैल लाठी मार मेरे को। Are you getting? So देखो PSIR का सबसे पहले optional syllabus समझ लो कि क्या क्या है, खोलो उसको। Political theory इसी के बारे में मैं बोल रहा था कि ये जो है वो सबसे ज्यादा बोरिंग है, लेकिन यही जो है वो बेस बनाएगा, इसके बाद यू वुड बिकम पॉलिटिकल साइंस का मास्टर।
आधार यही है, ठीक है। हरिओम, जोश में रहता है हरिओम, दैट्स अ गुड थिंग, वेरी नाइस। समझो पॉलिटिकल थ्योरी, सबसे पहले रश्मि पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना है उसका मीनिंग एंड अप्रोच, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। बिहेवियरलिज्म के बारे में सुने हो, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में सुने हो, हिस्टोरिकल अप्रोच, तो वो सब पढ़ेंगे, टेक्सुअल अप्रोच, कंटेक्चुअल अप्रोच, ठीक है। मीनिंग क्या है पॉलिटिकल थ्योरीज का, थ्योरी ऑफ स्टेट, ढंग से समझो, तुम्हारा जो कंट्री है इंडिया एक स्टेट है, एक नेशन है, तो वो किस थ्योरी पे बेस्ड है, लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं रश्मि, ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, और ये सारे स्कूल्स अपना डिफरेंट कंसेप्शन देते हैं कि स्टेट का नेचर क्या होना चाहिए। कोई भी स्टेट किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, वो मिक्स है, कुछ उसमें लिबरल फीचर है, कुछ मार्क्सिस्ट फीचर है, कुछ प्लूरलिस्ट फीचर है, कुछ पोस्ट कॉलोनियल फीचर है, कुछ फेमिनिस्ट फीचर है, सब कुछ मिक्स है, मेरी बात समझ रहे हो। तो स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, वो बोलते हैं कि ये होना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस का क्या कंसेप्शन है, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है, तो न्याय के बारे में क्या पढ़ना है कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के कंटेक्स्ट में उसका क्या मतलब है। रॉल्स के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो रॉल्स के एक बहुत बड़े क्रिटिक है कम्युनिटेरियंस, वहां पढ़ाऊंगा आपको थॉमस पोगी के बारे में, ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट लाऊंगा, वहां रॉल्स के बारे में बात करेंगे, तो वो सब के बारे में पढ़ना है। इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। रिलेशनशिप क्या है इक्वलिटी एंड फ्रीडम के बीच में, मेरी बात समझ लो। अफर्मेटिव एक्शन क्या है, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है रश्मि बताओ, व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन, प्रेजेंट, वो है अफर्मेटिव एक्शन। अद्वितीय, व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन क्या है, हरिओम, क्या पॉजिटिव, ठीक जा रहे हो, बोलो सकारात्मक क्या, व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन, क्या अफर्मेटिव एक्शन शिवम, पॉजिटिव एक्शन, यार मैं सोचा इतना जैसे कि तू सही में, भाई रिजर्वेशन को अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं यार, जो रिजर्वेशन सिस्टम जो पढ़ती हो वो अल्टीमेटली इक्वलिटी से ही ना रिलेटेड है, बिल्कुल। तो अफर्मेटिव एक्शन बेसिकली वही है, व्हेन अ स्टेट अफर्म्स समवन टू गिव इक्वलिटी थ्रू डिफरेंट मेथड, अफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन का दूसरा नाम है अफर्मेटिव एक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय अनदर नेम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जो कास्ट सिस्टम में जो सबसे लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन व्हेन अ स्टेट इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिकॉज समवन इज Someone has suffered historical disadvantages. समझ में आ रहा है रश्मि, समझ में आ रहा है। तो rights हैं, right का मतलब क्या है, what are the different theories of rights, different kinds of rights, concept of human rights, democracy, democracy में classical और contemporary, पहले का theory क्या था Aristotle के time पे, contemporary theory क्या है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी जो अभी एग्जिस्ट करता है, इंडिया एक मॉडल है, फरी जकारिया का कॉन्सेप्ट है लिबरल इलिबरल डेमोक्रेसी, तो उसी तरीके से एरन लाइसपार्ट का, अभी कुछ दिन पहले जब यूरोपियन यूनियन उसका आयरलैंड वाला इशू आया था तो मैंने एक रिसर्च पेपर जब भेजा था उसमें मैंने भेजा था ना एक टर्म कॉन्सोसिएशनलिज्म, याद है तुम लोग देखते हो, जो मैंने एक पेपर भेजा था याद है कुछ मजहर, कॉन्सोसिएशनलिज्म, मैंने बोला था कि अरेंज लीज पार्ट, अरेंज लाइज पार्ट, ही क्वाइंड दिस टर्म, ठीक है। तो कॉन्सोसिएशनलिज्म, तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स क्या है डेमोक्रेसी का, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, पार्टिसिपेटरी, डेलिब्रेटिव, तीनों में क्या डिफरेंस है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है,
अभी हमारे यहां जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है रश्मि, वो किस टाइप का मॉडल है डेमोक्रेसी का? रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव में? गुड, वेरी नाइस, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है वो, है ना? वी आर गिविंग मींस आवर रिप्रेजेंटेटिव, वी आर गिविंग वोट टू आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव विल प्रेजेंट रिप्रेजेंट अस. सो ये रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है. पार्टिसिपेटरी में क्या होगा? When we'll directly participate in the decision making, ग्राम पंचायत, वो participative democracy का example है. Deliberative, जब हम वहां discussion भी कर रहे हैं, again ग्राम पंचायत is an example of deliberative democracy. सबसे अच्छा कौन सा democracy होगा? Representative, participative और deliberative? Deliberative? Participative से भी ऊपर है deliberative. एक participation और उसके बाद तुम discussion कर रहे हो. हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ पावर समझो. हेजेमनी क्या है? इडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ाऊंगा. लिबरलिज्म क्या है? सोशियोलिज्म क्या है? मार्क्सिज्म क्या है? अभी तक नाम ही सुने हो ना. फासिज्म क्या है? हिटलर वाला. गांधीज्म क्या है? फेमिनिज्म क्या है? आईपीटी में हम लोग पढ़ेंगे धर्मशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में, अरविंदो के बारे में, गांधी के बारे में, अंबेडकर के बारे में, एम एन रॉय के बारे में. जब ये पढ़ लोगी तो तुमको नहीं लगता है कि मॉडर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तुम्हें एज मिलेगा? पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल कोटेशन जो पूछेगा एथिक्स, उसमें तुम्हें एज मिलेगा? जीएस फोर में ऐसे में एज मिलेगा, क्योंकि ये लोग एक से एक नए नए कॉन्सेप्ट्स तुमको देंगे. डब्ल्यूपीटी में प्लेटो के बारे में पढ़ोगे, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ोगे, मैकियावेली के बारे में पढ़ोगे, हॉब्स, लॉक, मील, मार्क्स, ग्राम्सी, हैना अरेंट. इसके अलावा मैं रूसो भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना रूसो को समझे हुए इन दोनों को समझना डिफिकल्ट है. हाँ, व्हाट्स द क्वेश्चन? कैन यू प्लीज गो अहेड शिवम, बताओगे? हे, आई थिंक यू मिस द बस, थोड़ा सा लेट हो गए हो. सो चैलेंजेस एसोसिएटेड मैंने ऑलरेडी बता दिया था. ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ चूजिंग PSIR. ओके, फर्स्ट वॉज इट वॉज अ देर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी इन इट, बट देन दो थ्योरी जो है वही आपको बेस बनाएगा. सेकेंड थिंग, बुलसाई अप्रोच, और वो सब चीज में है. अगर हिस्ट्री में तुमसे पूछ रहा है चाणक्य के बारे में और तुम लिखोगे मैकियावेली के बारे में, तो मार्क्स तो जीरो मिलना ही मिलना है. तो इट हिल मतलब बुलसाई अप्रोच एवरीवेयर यू नीड. मेमोराइजिंग नेम ऑफ अ स्कॉलर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अनदर ड्रॉबैक. थोड़ा ऑप्शनल लेंदी है, 4.5 महीना आपको लगेगा. वन ऑफ द मोस्ट टेकन ऑप्शनल. पूरा इंडिया में जो 26 सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के, उसमें सबसे ज्यादा PSIR लिया जाता है. तो ज्यादा जब लेने के कारण कंपटीशन भी ज्यादा है, और वहां पे आंसर्स आपको अच्छे लिखने हैं. तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको करना है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा करेंगे. जैसे आप देखिए, ये है PSIR का डेटा. 105, 137, 154, 158 बच्चे UPSC निकाल रहे हैं PSIR से. हर पांचवा बच्चा में एक बच्चा पॉलिटिकल साइंस का निकाल रहा है. तो जब हर फिफ्थ में एक बच्चा PSIR का निकाल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं PSIR आपको एज देता है. बट देन एट द सेम टाइम यू नीड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव. आपको कॉम्पिटिटिव भी होना होगा ताकि मार्क्स आपका अच्छा है. या व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, देन अब यहां से बहुत इजी हो जाएगा सिलेबस. यहां से सिलेबस जो है काफी इजी हो गया. आप देखो, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये पूरा का पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है. ढंग से समझो, इंडियन नेशनलिज्म, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट, मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स. जो मिलिटेंट एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स आया था, काकोरी, ये सब सब जो पढ़े हो बस उसके बारे में पढ़ना है. पेजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में. जैसे अभी थ्योरीज ऑफ अ स्टेट है, उसी तरीके से लिबरल क्या बोलते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का नेचर क्या था.
सोशलिस्ट क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, रेडिकल ह्यूमनिस्ट क्या बोलते हैं, एम एन रॉय के तरह से पढ़ेंगे, दलित क्या बोलते हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे लीगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका लीगेसी ब्रिटिश रूल से हम लोग क्या क्या वहां से लिए हैं, लीगेसीज, डिफरेंट सोशल एंड पोलिटिकल परस्पेक्टिव, उस समय क्या क्या विचारधारा था सामाजिक और राजनीतिक, सोशल एंड पोलिटिकल परस्पेक्टिव रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलियंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे, जीएस टू में भी पढ़ना है, फंडामेंटल राइट जीएस टू में भी पढ़ना है, ड्यूटी जीएस टू में भी पढ़ना है, डीपीएसपी जीएस टू में भी पढ़ना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जीएस टू में भी पढ़ना है, अमेंडमेंट प्रोसीजर जीएस टू में भी पढ़ना है, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, सीधा का सीधा पीएसआईआर का पूरा एक टॉपिक ही है। ठीक है रश्मि, कोई दिक्कत? आगे देखो, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के प्रिंसिपल ऑर्गन, इनविसेज रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, एग्जीक्यूटिव का मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कैसे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पे क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट का क्या रोल है, ये दोनों, ये पूरा का पूरा देख लो रश्मि, जीएस टू का भी पार्ट है, ये जीएस वन का पार्ट है, ये दोनों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आगे देखो, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd 74th अमेंडमेंट, ग्रासरूट मूवमेंट, जीएस टू का भी पार्ट है, स्टेटूटरी इंस्टीट्यूशन, ये पूरा का पूरा, इलेक्शन कमीशन प्री में भी आएगा कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन कौन सा स्टेटूटरी बॉडी है, कौन कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ये पूरा का पूरा जीएस टू का है। इलेक्शन कमीशन, कैग, फिनेंस कमीशन, यूपीएससी, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी, एनसीएम, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, फेडरलिज्म में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड रीजनल एस्पिरेशंस, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, कल ही बताया था ना मजहर, अगर याद होगा आर्टिकल 262 के बारे में, परसों When I was discussing water के बारे में कि water is a state subject but interstate water comes under union list. Sir, it means request from 312 states. Yeah, तो वो तो article 252, 262 याद है? 262 क्या था? Article 262? Constitution खोलो। यार तुम लोग को बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, मज़े भूलना नहीं है article यार। तुम कैसे भूल रहे हो? तुम लाया है कॉन्स्टिट्यूशन का बुक? खोलो तो क्यों नहीं, वहां पे उसको अचार लगाने के लिए बैग में रखे हो? क्या लिखा हुआ है 262 में? एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। परसों तरसों तुम देखे हो ना न्यूज, 262 पढ़े थे ना, वहां बताया ना आर्टिकल 262। थैंक यू। सो 262 बताया था इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट में क्या होगा, वो सारा फेडरलिज्म के अंदर आता है और वो जीएस टू में भी पढ़ना है। यहां पे हमें ओपिनियन भी पढ़ना है, वहां पे बिना ओपिनियन का पढ़ना है। समझ में आ रहा है? यही डिफरेंस है। ये जितना टॉपिक है वहां पे बिना ओपिनियन का पढ़ना है, यहां पे ओपिनियन के साथ पढ़ना है। मतलब क्रक्स दोनों का सेम रहेगा, बस यहां पे प्रीएम्बल के बारे में, जैसे अभी शिवम बोला कि नानी पालकी वाला सेड कि प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पॉलिटिकल साइंस में आ जाएगा, उसमें नहीं भी ये लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग? प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग इंडिया में शुरू से कैसा हो, उसमें नेहरूवियन पर्सपेक्टिव क्या था, नेहरू वॉज मॉडर्निस्ट, गांधी वॉज मोर कम्युनिटी ओरिएंटेड, तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग था। वो क्या है, प्लानिंग का रोल क्या है, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, लैंड रिफॉर्म्स क्या था, सारा का सारा जीएस टू सोशल जस्टिस का भी पार्ट है, जीएस थ्री इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है। लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बिना लैंड रिफॉर्म किए हुए एग्रीकल्चर होगा कंप्लीट? लैंड रिफॉर्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
आगे देखो, एग्रेरियन रिलेशन, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, कास्ट रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। जीएस वन में सोसाइटी में पढ़े हो कि नहीं, रीजनलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिटी, कम्युनलिज्म, वो यहां भी पार्ट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि पॉलिटिकल साइंस से अच्छा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है ही नहीं। जीएस टू, जीएस वन हर चीज को मिक्स करके यहां दिया हुआ रहेगा। पार्टी सिस्टम जो पढ़ती हो नेशनल पार्टीज के बारे में, बीजेपी, कांग्रेस, स्टेट पार्टी जो बिहार का है जेडीयू, आरजेडी, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज। जैसे कुछ पार्टी जो है वो इडियोलॉजी बेस्ड है, कुछ जो पार्टी है वो सोसाइटी बेस्ड है, तो क्या डिफरेंस है उनके बीच। पैटर्न्स ऑफ कोअलिशन पॉलिटिक्स, कोअलिशन पॉलिटिक्स का क्या पैटर्न है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, हाउ पार्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर ग्रुप्स। एनजीओज के बारे में पूछते हो तो कैसे वो पार्टीज से अलग हैं। ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, जैसे कितना परसेंट लोगों ने वोट किया बीजेपी को, कितना परसेंट वोट किया कांग्रेस को, ट्रेंड। चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर, पढ़ते होगे ना कि 17वीं लोकसभा में इतने सारे लोकसभा मेंबर हैं जिनके ऊपर मर्डर जैसा चार्ज लगा हुआ है, तो वो सब इसका पार्ट है। सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, वीमेन्स मूवमेंट, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, ये सारा जीएस थ्री का भी पार्ट है, जीएस वन का भी पार्ट है, जीएस टू का भी पार्ट है। यूपीएससी में सिलेबस को सेग्रीगेट नहीं करना है। जीएस वन का पार्ट है ज्योग्राफिकल फिजिकल फिनोमेनन, लेकिन लैंडस्लाइड्स का जो क्वेश्चन 2021 में था वो जीएस थ्री में आया था। अंडरस्टूड। आगे देखो, ऑप्शनल ये पेपर वन हो गया। अब देखो दूसरा पेपर 250 मार्क्स का, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। जैसे वहां पॉलिटिकल थ्योरी था, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का नेचर। गर्मी क्या लग रहा है, ओपन इट, ओपन इट, ठीक है। सो नेचर क्या है, मेजर अप्रोचेस, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशल। जैसे अभी वहां था ना डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्टेट बताया, लिबरल थ्योरी, न्यू लिबरल थ्योरी, उसी तरीके से कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, मेजर अप्रोच क्या है, ये सारे अप्रोचेज हैं। लिमिटेशंस क्या है कॉम्परेटिव मेथड का, डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा है, एग्जामिन दी लिमिटेशंस ऑफ कॉम्परेटिव मेथड्स, ये पूछ चुका है यूपीएससी ने। सेकेंड, स्टेट इन कॉम्परेटिव परस्पेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में स्टेट का नेचर कैसे चेंज हुआ है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज में स्टेट का नेचर क्या होता है। एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटी, यूएसए के बारे में बात हो रही है, डेवलपिंग सोसाइटी हम लोग के बारे में बात हो रही है। ये सब बहुत ईजी है, तुम इतना क्यों भाव सिकुड़ा रही हो ये बताओ, क्या डिफिकल्ट लग रहा है तुम्हें, ईजी है कि नहीं। आगे देखो, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स जो वहां पढ़े जीएस पीछे, ये इंडियन पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, ये पूरा पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, उसी चीज को यहां पे रिपीट करना है। सोशल मूवमेंट और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंस है, एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज में ग्लोबलाइजेशन का रिस्पॉन्स कैसा है, यूएसए का कैसा है, इंडिया का कैसा है, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लिबरल इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे पढ़ना चाहिए, किस अप्रोच के साथ, आइडियलिस्ट अप्रोच क्या बोलता है, रियलिज्म क्या बोलता है। हंस जे मॉर्गन दो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, मॉर्गन दो, सब ये सब होगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये सब बहुत इजी, नाम टिप ऑफ द टंग पे ला दूंगा, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा ना कि तुम लोग को ये हो जाएगा कि सर अब ज्यादा हो रहा है अब छोड़ दो, ठीक है, ये समझ लो। आगे फंक्शनलिस्ट अप्रोच, सिस्टम थ्योरी क्या है, उसी तरीके से की कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है। डायरेक्टली यूपीएससी ने इस बार पूछा था 2022 में, एक साल पहले इस पेपर के जस्ट पीछे, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, और यह भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। डायरेक्ट यहां से कॉन्सेप्ट उठाते हैं और यूपीएससी वहां पूछते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या है,
तो यहां पर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव लगाना है, वो मैं उसके लिए हूं, टेंशन नहीं लेना है। सिक्योरिटी क्या है, पावर और सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है एंड व्हाट इज डिटरेंस, ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या हैं एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है। लीग ऑफ नेशन पहला वैसा बॉडी बना था ना कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, अभी कोई है एग्जांपल में जो कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रमोट अभी भी करता है, नेटो है ना, हाँ ठीक है। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, वर्ल्ड मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड का ग्लोबलाइज, व्हाई दे प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन, वो ट्रेंड समझेंगे, मजा आने वाला है। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, राइज ऑफ सुपर पावर्स, सुपर पावर हुए थे ना यूएसए और सोवियत यूनियन, उनका राइज कैसे हुआ वो समझेंगे। स्ट्रेटजिक एंड इडियोलॉजिकल बाइपोलरिटी, वर्ल्ड दो भाग में डिवाइड हो गया था ना, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर, आर्म्स रेस एंड कोल्ड वॉर, आर्म्स रेस न्यूक्लियर वॉर गेम उन लोग का चलता था ना, न्यूक्लियर रेस, न्यूक्लियर थ्रेट, व्हाट इज नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, एम्स एंड अचीवमेंट ऑफ नाम, एम क्या हुआ उसका, एम क्या था, अचीवमेंट क्या हुआ। देन कॉलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, हाउ सोवियत यूनियन कॉलेप्स्ड, यूनिपोलरिटी एंड अमेरिकन हेजेमनी आफ्टर द कॉलेप्स ऑफ सोवियत यूनियन, पूरा वर्ल्ड जो 20 साल जब तक कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉज यूनिपोलर, अमेरिका वॉज ए हेजेमनी, यूएसए हेजेमनी वो पीरियड ही बोलते हैं, ठीक है। सो रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट का अभी क्या रेलेवेंस है, अब इसको नए लाइट में देखना होगा बिकॉज ऑफ इमर्जेंस ऑफ चाइना, ठीक है। इवोल्यूशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का कैसे हुआ है, जो तुमको GS3 में पढ़ना है WTO के बारे में, ब्रिटेन वुड टू WTO, जो पढ़ोगे उसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, ये सब व्हाट इज ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, व्हाट इज ब्लू बॉक्स सब्सिडी, वो सब यहां पे भी पढ़ना है, GS3 में भी पढ़ना है और यहां भी पढ़ना है, इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो यहां भी पढ़ेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड द CMEA काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस क्या था आफ्टर कोल्ड वॉर, क्या यूएसएसआर क्या किया था CME के लिए, इसके बारे में भी बताऊंगा। थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल, न्यू के बारे में सुने हो, NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, G77 के बारे में नाम सुने हो, मजहर क्या है G77, G77 क्या है, ये G20 से काफी पहले आया था, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, ठीक है, और दे वर डिमांडिंग फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, वो बोल रहे थे कि करेंट इकोनॉमिक ऑर्डर इज नॉट अलाउइंग डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम मोर डेवलप्ड, दे वर डिमांडिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, उसी का नाम था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। व्हाट्स योर गुड नेम बाबू, अमित, डेढ़ घंटा लेट हो बाबू, कम बैठो। सो UN, व्हाट आर द इनविसाज रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ UN, रोल क्या था, जब UN के बारे में बात हुई तो उनका रोल क्या था एंड एक्चुअल रिकॉर्ड, व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी, जैसे ICJ सब है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसका मेन रोल क्या था, फंक्शन क्या है, नीड फॉर UN रिफॉर्म GS2, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, EU क्या है, ASEAN क्या है, APEC क्या है, R क्या है, NAFTA क्या है, GS2 का पार्ट, कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन्वॉल्वमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, GS2 प्लस 3 का पार्ट, इंटरनल सिक्योरिटी, किसका, ये गलत मुझे लगता है लिखा हुआ है, हाँ वो सार का गल मिस टाइप हो गया है, ठीक है, इसीलिए मैं आगे नहीं कुछ बोला। अब आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड में देखो क्या है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स एनी कंट्री, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इट,
उसको क्या डिटरमाइन करता है? अमित समझ में आ रहा है बाबू? सो व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? ज्योग्राफी कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे फॉरेन पॉलिसी को? इंडिया इज सराउंडेड बाय इट्स थ्री साइड बाय वाटर. सो हाउ योर ज्योग्राफी डिटरमाइंस योर फॉरेन पॉलिसी? व्हाई इंडिया इज सो मच स्केप्टिकल अबाउट चाइना बींग इन इंडियन ओशन? समझो खुद से. फॉरेन पॉलिसी का एक डिटरमिनेंट कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता है, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स. अभी परसों में इंडिया यूएई रिलेशनशिप किया था ना, तो एक पिलर ऑफ टाई क्या था उसमें? पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन पीएम मोदी एंड यूएई प्रिंस था ना. तो फॉरेन पॉलिसी का रश्मि जो है एक कोई सिंगल डिटरमिनेंट नहीं है, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स. तो ज्योग्राफी इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट. पर्सनल रिलेशनशिप, मेरा और अद्वितीय का बहुत अच्छा टेम्पो बैठता है, अच्छा फ्रेंड है, तो ऑटोमेटिकली दैट बिकम अ डिटरमिनेंट ऑफ आवर अदर एस्पेक्ट्स. आर यू गेटिंग? सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, हु आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री हु आर इन्वॉल्व इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग? कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज. व्हाट आर द कॉन्टिन्यूटीज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो 1947 से चलता आ रहा है, और कहां चेंज हुआ है? अभी कुछ दिन पहले जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया था, एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया था अबाउट दिस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज. यूपीएससी ने 2022 में एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट रेप्लीकेट करके पूछा यूपीएससी ने. मेरी बात समझ रहे हो? तो वहां से क्वेश्चन आता है इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन. नाम पढ़ना था ना अभी पहले, यहां पे मैंने बताया था नाम के बारे में, कहां बताया था, वेट, यूनिपोलरिटी, रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यहां पे बताया था कि रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट, एम्स एंड अचीवमेंट्स, बताया था ना. अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज द इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइनमेंट एंड डिफरेंट फेजेस, व्हाट इज द करेंट रोल ऑफ इंडिया इन टू इट? अभी नाम का हुआ था मीटिंग कुछ दिन पहले, तो अब इंडिया का उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? इंडिया एंड साउथ एशिया, सार्क का पुराना परफॉर्मेंस क्या है, करेंट फ्यूचर. साउथ एशिया इज अ फ्री ट्रेड एरिया, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, इंपेडिमेंट्स टू रीजनल, जो रीजनल कोऑपरेशन में मेन चैलेंजेस क्या क्या हैं? रिवर वाटर डिस्प्यूट, बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन तिस्ता वाटर या बहुत सारा रिवर वाटर को लेकर इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो रिवर वाटर डिस्प्यूट. इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, व्हाई आर वी एंडिंग फ्री बॉर्डर रेजिम, फ्री मूवमेंट रेजिम क्यों खत्म कर रहे हैं? दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ना. समझ में आ रहा है? दीज आर द इंपेडिमेंट. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसी, नागालैंड, बॉर्डर डिस्प्यूट, पाकिस्तान, चाइना. इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, रिलेशंस विद अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, आवर रिलेशनशिप विद अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ग्लोबल साउथ के साथ. ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी ने भी पूछा था, हाउ इंडिया शुड रिक्लेम इट्स लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ, G20 के कंटेक्स्ट में, याद आया? सो इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, इंडिया का रिलेशनशिप अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ कैसा है? अ लीडरशिप रोल इन द डिमांड फॉर नियो एंड डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हाउ इंडिया इज लीडिंग, डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन में हाउ इंडिया इज लीडिंग. इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर, इंडिया का रिलेशनशिप यूएसए के साथ, यू के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ. इंडिया एंड द यूएन सिस्टम, रोल इंडिया का यूएन पीस कीपिंग मिशन में, इंडिया का डिमांड परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में. इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन, चेंजिंग परसेप्शन एंड पॉलिसी. कभी कभी सुनते हो ना कि आवर डिफेंस मिनिस्टर सेड कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको चेंज करने की जरूरत है. क्या वो बोलते हैं? गुड है ना, बोलते हैं ना फर्स्ट, वेरी नाइस. वो अमित पीएसआई का है बैकग्राउंड? ओके 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 ओके. सो अभी बीच में इस पे डिबेट हुआ था ना, फर्स्ट यूज पॉलिसी पे, राइट, एफयूपी पे, इट वाज इन यू न्यूज इन 2021-2022, राइट. सो चेंजिंग परसेप्शन एंड पॉलिसीज, हाउ वी शुड चेंज मींस हाउ वी शुड मूव फ्रॉम दैट पोस्चर टू फर्स्ट यूज पॉलिसी. देन रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का पोजिशन ऑन रिसेंट क्राइसिस इन अफगानिस्तान,
इराक, वेस्ट एशिया, अभी इसराइल में जो इशू हो रहा है, दैट कुड बी आस्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट इंडिकेटिव सिलेबस है यूपीएससी का, ग्रोइंग रिलेशन विथ यूएस एंड इसराइल, I2U2. उस दिन जब यूएई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मजहर भी डिस्कस ना, I2U2. सो यूएस एंड इसराइल के साथ ग्रोइंग रिलेशनशिप, विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. हमारा जो विजन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वॉट इज दैट विजन? बहुत अच्छे से हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, और श्याम सरन ने, एज वेल एज जो भाई भारत मैटर्स में एस जयशंकर साहब ने इसके बारे में बताया है. वॉट इज आवर विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? आप बताओ कि क्या इसमें डिफिकल्ट तुम लोग को लग रहा है? गो अहेड, मैं बहुत बोला, तुम लोग बोलो. ओके, गुड गुड गुड, ठीक है. तो क्या हम लोग अगर एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एनर्जी सिक्योरिटी में कुछ चैलेंजेस आ सकता है? बिल्कुल, बट व्हाई वी वुड कंप्लीटली अलाइन विद इजराइल? अल्टीमेटली कोई भी नेशन का जो अमित है वो रिलेशनशिप को सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट क्या है? नो बाबू, तुम्हारा रिलेशनशिप किसी और के साथ क्या पे डिपेंड करता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से पहले सोचो, नेशनल इंटरेस्ट. व्हाई इंडिया वुड कंप्लीटली अलाइन विथ इजराइल? ऑफ कोर्स इंडिया वुड नॉट डू दैट ब्लंडर. आर यू गेटिंग व्हाट मैटर्स द मोस्ट? इंडिया इज राइट नाउ अलाइनिंग विथ इजराइल बिकॉज ऑफ वेरियस स्ट्रेटजिक हेल्प विच वी गेट फ्रॉम इजराइल. आर यू गेटिंग? सो नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स द मोस्ट. इफ द ओवरऑल आवर नेशनल इंटरेस्ट इन अलाइनिंग विथ इजराइल trumps over our national interest in aligning with other countries, then of course we would go wholeheartedly with Israel. Otherwise we won't admit. मेरी बात समझ रहे हो? National interest जो है, that is the most important determinant of any relationship. तो क्यों Israel के साथ हम वैसा करेंगे? अभी तक देख रहे हो कि India का जो relationship है वो balance वाला है. We are not going wholly with the Israel. Israel के context में हमने UN में वोट नहीं किया, बट एट द सेम टाइम आवर PM हैज मेड द स्टेटमेंट ना कि दिस इज, रशिया के भी कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, एंड इसराइल के कंटेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला कि वी आर वन टू वन टॉक इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉर. आर यू गेटिंग? सो वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड बैलेंसिंग. समझ में आ रहा है अमित? सो आंसर को भी बैलेंस करना है, बट बैलेंसिंग में अपना ओपिनियन नहीं देना है. बैलेंसिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओपिनियन तुम दे रहे हो उसके आगे किसी का नाम लगा हुआ है कि वो ओपिनियन किसने दिया है, और विज किनका ओपिनियन दे रहे हो वो भी उसका नाम के साथ देना है. यही GS आंसर और ऑप्शनल आंसर में यही मेन मार्कर है जो डिफ्रेंशिएट करता है दोनों के बीच. समझ में आ रहा है? और कुछ पूछो, बताओ रश्मि, तुम लोग PSIR लेने वाली हो तो एटलीस्ट तुम्हारे अंदर ना पता होना चाहिए डाउट कि क्या क्या मैं और पूछूं, कहां मुझे प्रॉब्लम होगा, बताओ. क्लियर हो गया? आधा मिक्स करने के बाद भी क्लियर हो गया तेरा? आदित्य कुछ भी पूछना है पूछो बाबू. टॉपिक्स तो क्लियर, अभी क्या डाउट है ऑप्शनल से रिलेटेड? टॉपिक तो क्लियर, इट वुड टेक टाइम, 4.5-4.5 महीना टॉपिक क्लियर होते होते लगेगा. हम लोग WPT, देखो WPT इज द मींस, समझ लो कि इट इज द फंडामेंटल. विदाउट WPT, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो देख रहे हो ना WPT जो है ना, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, स्टेट का नेचर क्या होना चाहिए, पावर का मतलब क्या है, ऑथोरिटी का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट दे हैव ऑलरेडी इंटरप्रेटेड. तब जब तुम पढ़ोगे थ्योरीज ऑफ स्टेट, ढंग से समझना, लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट को छोड़ दो, ये पांचों, ये दो को छोड़ दो, ये चारों, चारों के चारों यहां से ही आते हैं.
तो ये जब पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा कि हाउ दे हैव इंटरप्रेटेड। उसी तरीके से जब जस्टिस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो यहां तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है क्या, तो रॉल्स के ही आने से जस्टिस शुरू हुआ था। मौर्य के टाइम में क्या जस्टिस नहीं था? गुप्तास के टाइम में जस्टिस नहीं था? राइट, थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस इज डिफरेंट। थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग हॉब्स एंड लॉक, ठीक है? तो वहां, लेकिन उसके पहले प्लेटो का भी तो जस्टिस था, एरिस्टोटल का जस्टिस था, जिसको बोलते थे प्रोपोर्शनल जस्टिस। ये जो टर्म है आर्टिकल 15 में, इक्वल्स आउट टू बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स आउट टू बी ट्रीटेड अनइक्वली, वो कहां से आया है? कहां से आया है? आया कहां से है? एरिस्टोटल। ये टर्म जो है, जो पढ़ोगे आर्टिकल 15 में जीएस 2 में, इक्वल्स आउट टू बी ट्रीटेड इक्वली अनइक्वल, जो रिजर्वेशन का क्या बेसिस है? इक्विटी। और उसका बेसिस, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द बेसिक रैशनल बिहाइंड रिजर्वेशन? गुड, सो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, व्हाट इज द अंडरलाइंग फिलॉसफी बिहाइंड इट? गुड, इक्वालिटी फॉर द इक्वल्स, अनइक्वालिटी फॉर द अनइक्वल्स, इक्वल्स आउट टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो दो लोग हैं, मैं और मजहर, यहां पे खड़े हैं। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ रिक्शा वाले के यहां, और मजहर जो है अंबानी के यहां पैदा हुआ है, तो दोनों को क्या इक्वल ट्रीट किया जा सकता है? सो उसके लिए रिजर्वेशन सिस्टम है। आर यू गेटिंग? दैट इज हाउ इट इज। इतना ज्यादा नींद नहीं आना चाहिए रश्मि। ओके, नहीं मैं नहीं समझा, किस पे फोकस करने कह रहे हो? क्यों नहीं टच करोगे उस पे? इक्वल्स आउट टू बी ट्रीटेड इक्वली, वो प्रिंसिपल जो है क्या आज एप्लीकेबल नहीं है? व्हाई इट इज यूटोपियन? आज जो रिजर्वेशन सिस्टम तुम्हारे यहां एग्जिस्ट कर रहा है, उस वो रिजर्वेशन सिस्टम का बेसिस क्या है बाबू अमित? और डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस क्या है? कास्ट सिस्टम। सो अल्टीमेटली तुम एग्री कर रहे हो, तो उसको कैसे तुम बोलोगे कि वो यूटोपियन है? यूटोपियन का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी रियलाइज्ड, बट दैट हैज बीन रियलाइज्ड। पीपल हैव सफर्ड हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस। बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरे के घर में घुसने नहीं दिया जाता था। सो इट इज नॉट यूटोपियन, है ना? पहला चीज ये है। दूसरा, लेंस जो है, डिफरेंट लेंस, इट कीप्स ऑन कमिंग। इक्वल्स आउट टू बी ट्रीटेड इक्वली इज वन लेंस, बट देर आर डिफरेंट अदर लेंस। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जनहित अभियान केस में। जनहित अभियान केस में क्या आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जनहित अभियान ही केस का नाम है भाई। हाँ, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जनहित अभियान केस है ना। उसके पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का नालसा केस में जजमेंट आया है, बताओ कोई? सुप्रीम कोर्ट बोलता है रिजर्वेशन नीड टू बी रीडिफाइंड इन द लाइट ऑफ न्यू रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी। व्हाट आर द न्यू रियलिटीज? ट्रांसजेंडर एज वेल एज दोज हु बिलोंग टू एलजीबीटी कम्युनिटीज, दे आर ऑल्सो सफरिंग, दे हैव ऑल्सो सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सो न्यू लेंस आया कि नहीं आया? लेकिन उन सब लेंस के पीछे अल्टीमेट एम क्या है? इक्वल्स आउट टू बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स आउट टू बी, प्रिंसिपल वही है बाबू। बोला क्या जा रहा है कि जो नया डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, अब उनको भी आइडेंटिफाई करो। लेकिन आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करोगे? उसी बेसिस पे ना, कि इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करो, अनइक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करो, प्रिंसिपल तो वही रहेगा। यूटोपियन कैसे है बाबू वो, बताओ? हाँ, मानते हो ना? मजहर बोला है ना,
रियल में प्रिंसिपल वही रहेगा, लेंस चेंज होगा. लेंस क्यों चेंज होगा? बिकॉज सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, इट इज चेंजिंग. आज 50 साल पहले जो नॉमसा से 100 साल 150 साल पहले सती प्रथा वॉज समथिंग दैट वॉज क्वाइट कॉमन, लेकिन आज के स्टैंडर्ड में सती प्रथा को कभी तुम एक्सेप्ट कर सकते हो? हाँ, क्या तुम अलाउ करोगे कि अगर किसी तुम्हारे रिलेटिव का डेथ हो जाता है तो तुम वो जो विमेन है उसको भी जला दोगे? वुड यू एवर अलाउ? सो सोसाइटी के स्टैंडर्ड के साथ लेंस चेंज होता है, लेकिन प्रिंसिपल तो वही रहेगा. प्रिंसिपल कहां से चेंज करोगे? समझ रहे हो दीदी? रश्मि समझ रही हो क्या पूछ रहा था? समझ में आया तुम लोगों का? वो क्या पूछा कि सर जो ये जो प्रिंसिपल है इक्वलिटी इक्वल्स आउट टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल, वो प्रिंसिपल भी अब चेंज हो चुका है, अब हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यू लेंस की जरूरत है. उसका स्टेटमेंट ठीक है, नया लेंस का जरूरत है, लेकिन प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ है, लेंस चेंज हो रहा है. पहले जो डिस्क्रिमिनेशन बस कास्ट बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता था, आज वो डिस्क्रिमिनेशन एलजीबीटी कम्युनिटीज के लिए भी किया जा रहा है, आज वो डिस्क्रिमिनेशन फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी किया जा रहा है. नजरिया बदल रहा है, वेरी नाइस, है ना? कोई दिक्कत? और कुछ पूछना है? पूछो बाबू. हाँ अबाउट दी गवर्नर रोल, आज अभी मैं डिस्कस कर रहा था. बेसिकली हाँ उसमें बहुत सारा ऐसा ओपिनियन है, तुम न्यूट्रल क्यों रहोगे? न्यूट्रल तब ना रहना है कि जब तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो. जब ओपिनियन तुम किसी का बैक कर रहे हो, मान लो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का नाम है, मान लो तुम यूज कर रहे हो वहां पे डीडी बसु को, सुभाष कश्यप को, तो क्यों ओपिनियन तुम्हें अपना न्यूट्रल रखना है? यू आर सेइंग समथिंग इन रेफरेंस टू समवन एल्स. सुभाष कश्यप हैज सेड दिस, पार्थस व्हाट इज हिज नेम, सुशील पार्थसारथी हैज सेड समथिंग, तो क्यों न्यूट्रल रहना है? जो फैक्ट है उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है. हाँ ठीक है, तो कोई याद था तुम्हें जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है कि गवर्नर इज नॉट द एजेंट ऑफ सेंटर? सरकारिया कमीशन का आइडिया है. सरकारिया कमीशन क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी जो गवर्नर है, ही इज द लिंच पिन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो वो सब टर्म वहां पे लाना है. उन जो एजेंट को आपको वहां पे कट करके वहां पे लिखना था कि दिस इज हाउ सरकारिया कमीशन डिस्क्राइब गवर्नर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट. गवर्नर इज अ लिंच पिन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट इज हाउ. उसके बाद पुंछी कमीशन का यही सब यूज करना है. हमेशा न्यूट्रल, न्यूट्रल कैसे बनाना है उसको तुम ओपिनियन देकर नहीं, बैक करो जो कमीशन आई है. नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बैंकर चलैया कमेटी का क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, बहुत सारा जजमेंट है, बहुत रिसेंटली नवाम रेविया जजमेंट है, तो वो सब दो ना यार, बिल्कुल वो न्यूट्रल हो जाएगा. वो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस को भी पॉइंट करते हुए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमित, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फेडरलिज्म, व्हाई गवर्नर नीड्स टू बी देयर, बिकॉज इंडिया इज अ डिवर्स सोसाइटी, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, देयर आर मल्टीपल स्टेट्स हु वांट टू बिकम सेपरेट फ्रॉम दिस कंट्री. सो अभी भी नॉर्थ ईस्ट इज नॉट कंप्लीटली लाइक इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया. जम्मू एंड कश्मीर स्टिल देयर इज अ चैलेंज ऑफ सेसेशनलिज्म, है ना? सो यू नीड टू हैव अ आई इवन इन अ स्टेट. गवर्नर आई है. सो तुमको उस स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं होना है, बल्कि उस स्टेटमेंट को काटना है खुद के ओपिनियन से नहीं, बल्कि जो इस्टेब्लिश्ड कमीशन्स हैं, नॉलेज इसीलिए इंटीग्रेट करना है. सरकारिया कमीशन का, पुंछी कमीशन का, वेंकट चलैया कमिटी का, या जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, शमशेर सिंह केस, वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, नवाम रेबिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये सब याद करना है. उसी के लिए मैं यहां बैठ रहा हूं ना, वही कराऊंगा. बताओ सर, वो जो महाराष्ट्र के गवर्नर के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो सबको भी
बिल्कुल 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 वो सब कर सकते हो। तो वही न्यूज़पेपर को लिंक करते रहना। अभी न्यूज़पेपर में मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, व्हेन यू वर नॉट हेयर आई वाज डिस्कसिंग अबाउट हाउ इन तमिलनाडु गवर्नर रिफ्यूज टू डिलीवर एड्रेस। सो अगेन गवर्नर रोल हैज बिकम इंपॉर्टेंट ना, दैट कुड बी आस्क्ड इन यूपीएससी क्वेश्चन, जीएस में पूछा जा सकता है ना, तो उसको वैसे एड्रेस करना है। बिल्कुल ठीक है, बात समझ रहे हो? और कुछ पूछना है? ओपिनियन डायरेक्ट नहीं देना है। मैं बोला ना, हु द हेल यू आर टू गिव ओपिनियन, वो पूछ दिए व्हाट इज योर ओपिनियन, तो ओपिनियन अपना बैक करना है जो कॉन्स्टिट्यूशनली रेलिवेंट है। मतलब पुंछी कमीशन ने ये जो बोला है मैं इसी से सहमत हूं, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सहमत हूं। ओपिनियन अपना हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज टेक केयर ऑफ वन थिंग, दिमाग में एक चीज ध्यान रखना है कि ओपिनियन जो हो दैट ओपिनियन नीड टू बी इंटीग्रेटेड विथ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी को नहीं भूलना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सी अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सर्व दिस कंट्री, यहां पर आईएएस आईपीएस बनेंगे, सो आपके लिए जो अल्टीमेट गाइड है वो गाइड कुछ और नहीं है बल्कि ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पे कोई कुछ बोल दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि बह जाना है, ठीक है? सोचना है खुद से कि इसको कैसे इंटरप्रेट करें। कोई दिक्कत अमित, समझ में आया? इजी था? कुछ और पूछना है आपको? हरिओम, आस्क एनीथिंग। ठीक है तो चलो मिलते हैं। हे ऑनलाइन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्या कहते हैं कोई इशू हो जस्ट लेट मी नो, टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, आई वुड बी मोर देन विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू यू गाइस। एंड टेक केयर, सी यू गाइस टुमारो फॉर करंट अफेयर सेशन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।